हेलो बच्चों, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर जे एडवांस 2016 टू 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और आज इस लेक्चर में हम फिजिक्स यूनिट नंबर 10 जिसके अंदर हमने रे ऑप्टिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वे ऑप्टिक्स को इंक्लूड किया है, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एडवांस 2016 में ये पूछा गया है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा ऑन द साइड पीक्यू ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल्स टू रूट टू। लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट द फेस पी आर व्हेन अल्फा हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री द एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म इज। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर ये लाइट रे इंसिडेंट करवा रखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर अल्फा है और अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है और ये मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए ये पीआर सरफेस से इसका टीआईआर हो जाए। ठीक है, तो हमें यहां पर ग्रेजिंग एमर्जेंस लेना है पीआर सरफेस पर और फिर ज्योमेट्री लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और हम थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा चलिए सबसे पहले प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये प्रिज्म है, यहां से ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर अल्फा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू है, राइट। तो ये लाइट रे डेंसर मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और यहां पर पीआर सरफेस पर नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और यहां एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होना चाहिए 90, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपको 45 दे रखी है। इसका मतलब यहीं से ही लैंग्वेज से ही समझ जाना है हमें, ये वाला एंगल डेफिनेटली 90 होना चाहिए। एंड अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर ये वाला एंगल 90 है, ओके, और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 45 डिग्री हमें गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से दिस एंगल इज R1। सो फॉर दिस सरफेस यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन से साइन 45, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू है, रूट टू इंटू साइन R1। तो यहां से साइन 45 1 बाई रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बाई टू, सो साइन R1 इक्वल टू 1 बाई टू, दैट मीन्स R1 इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पर इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है और ये एंगल ऑलरेडी 90 है तो R1 की वैल्यू मैं यहां पर 30 डिग्री रख देता हूं। अब इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेट्स से दिस एंगल इज R2। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन से अंडर रूट 2 व्हिच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, अंडर रूट 2 इनटू साइन R2 इज इक्वल टू, बाहर का मीडियम जो है वो एयर है तो 1 इनटू साइन 90 जो कि 1 हो जाएगा। सो हियर साइन R2 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 व्हिच मींस R2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो आपके पास R2 की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है यहां पर। So this angle is 45 degree, we can say this angle is also 45 degree. तो ये 45 हो गया हमारे पास, correct? बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगल के एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री में अगर आप गौर से देखो तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, करेक्ट। तो कंप्लीट एंगल इज 180, 120 डिग्री इसमें से रिड्यूस कर दें तो 60 बचा, 60 में से 45 ये खा गया तो कितना बचा 15 डिग्री, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, an image of double the size of the object is produced due to reflection from the convex surface of the lens, another faint image is observed at a distance of 10 cm away from the lens, which of the following statement is are true, okay। to first option keh raha hai refractive index of the lens is 2.5, lens ka refractive index hame find out karna, radius of curvature of the convex surface is 45 cm, convex surface jo uska radius of curvature hame find out karna, the faint image is erect and the real फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, लेंस की फोकल लेंथ भी हमें फाइंड आउट करनी है यहां पर, ओके। तो यहां अगर हम बात करें तो
हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस बनाना है. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. ओके ओके, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए चलिए डायरेक्ट बना लेते हैं. दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का वो n है. और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को आपने 30 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के सामने फ्रंट में आपने 30 सेंटीमीटर पे रख दिया यहां पर. सो दिस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर. ओके, एन इमेज ऑफ डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन. ओके अच्छा ठीक है. व्हेन तो आपने जब लेंस के सामने रखा तो अब इन फ्रंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस द लेंस एन इमेज ऑफ द डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड. ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को जब आपने रखा इस लेंस के फ्रंट में तो एक इमेज बन रही है जिसका साइज डबल है, है ना, जिसका साइज डबल है. अब ये नहीं बता रखा इसके अंदर की इमेज कैसी है, इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मैं एफ कंसिडर कर लेता हूं. तो अगर इमेज रियल हुई तो इन्वर्टेड होगी लेंस से, और अगर इमेज जो है वो वर्चुअल हुई तो वो डेफिनेटली इरेक्ट होगी. तो यहां पर मैग्निफिकेशन जो है वो 2 दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि +2 है कि -2 है. तो मैं +-2 दोनों कंसीडर करूं, और मैग्निफिकेशन वी बाई यू होता है लेंस के लिए, एंड यर यू इज -30. तो -30 अगर आप यूज करोगे तो वी की वैल्यू यहां पर देखो कितनी आई, +-60. तो वी +60 भी हो सकता है, वी -60 भी हो सकता है, और इसके बिहाफ से अपन फोकल लेंथ यहां पर कैलकुलेट करेंगे. तो 1/v लेंस के लिए अगर फॉर्मूला लगाऊं तो 1/v -1/u. अच्छा, u यहां पर जो है वो माइनस का 30 है, बराबर 1/f. ठीक है, अब v की वैल्यू क्या रखनी है हमें. अगर मैं v की वैल्यू 60 रखूं यहां पर, अगर v यहां पर प्लस का 60 रखूं, ठीक है, प्लस 60 मतलब इमेज आगे बन रही है, तो 1/60 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/30. तो 1/30 एंड 1/60 यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60 ऊपर, तो 2 2 + 1 3 3/60 दैट मींस 20. तो f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर आ गया पॉजिटिव के अंदर. और अगर मैं यहां पर -60 यूज करूं, ये -60 यूज करूं, ये तो प्लस हो ही जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो 1/30 -1/60, 1/60 बचता है, तो f की वैल्यू यहां पर 60 सेंटीमीटर भी आ रही है. तो f की दो वैल्यू आ रही है. अब हमें ये देखना है कि कौन सा सही है यहां पर. तो 20 सेंटीमीटर इसमें दे रखा है इसने, तो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है 20 सेंटीमीटर की. चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं. ओके, अब नेक्स्ट लाइन में इसने क्या लिख रखा है, देखिए. ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस अनदर फेंट इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस. देखो ऑब्जेक्ट रियल है ये कंफर्म है, और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है ना इससे रिफ्लेक्शन भी कह रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो भी पार्शियल रिफ्लेक्शन, बहुत ही हल्का, और उस रिफ्लेक्शन से इमेज बन रही है, और वो जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बन रही है लेंस से. एज वी नो व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल एंड मिरर इज कॉन्वेक्स देन इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है और वो इरेक्ट होती है. ये कंफर्म है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल बनती है. तो ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं आर कंसिडर करूं, ठीक है, अगर आर कंसिडर करूं तो इस सरफेस के लिए जो इमेज बन रही है वो हमें 10 सेंटीमीटर पे दे रखा है, तो ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज बनेगी अगर ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, और वर्चुअल डेफिनेटली आगे बनेगी. तो उसके लिए वी की वैल्यू प्लस का 10 है, u तो ऑलरेडी -30 है, तो अब इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v +1/u इज इक्वल टू 1/f. f इस मिरर की फोकल लेंथ है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको f डैश लिख दो चाहो तो 1/v, v की बात करें तो प्लस का 10 आएगा, प्लस 1/u, u इज -30 बराबर 1/f डैश. यहां से ये माइनस यहां ले जाए, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 1 2 2/30 मींस 15. So your f dash equals to 15 सेंटीमीटर. तो इसकी फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर की वो 15 सेंटीमीटर, दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर इज 30, डबल ना, 30 सेंटीमीटर. तो r की वैल्यू जो है यहां पर 30 सेंटीमीटर आ गई, ये तो कंफर्म है, r तो 30 है, इसको कोई रोक नहीं सकता. अब सेकंड ऑप्शन क्या करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस 45 सेंटीमीटर, मतलब इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया. थर्ड क्या करता है, फेंट इमेज इज इरेक्ट एंड रियल. ये जो इमेज बनेगी फेंट इमेज बनेगी, बहुत ही हल्की सी, ये कह रहा है इरेक्ट एंड रियल, इमेज इरेक्ट बनेगी कंफर्म है, ठीक है, लेकिन रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, इसका मतलब थर्ड भी ये इसका इनकरेक्ट हो गया.
ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। देखो 20 भी है 60 भी है, तो इसमें 20 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 इसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पूरा, तो फोर्थ ऑप्शन को अपन करेक्ट कह सकते हैं। थर्ड कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 2.5, इसको चेक करते हैं पहले। भाई मैंने यहां पर 20 कह तो दिया है, 20 या 60 में से कोई सा भी हो सकता है, 20 हो सकता है इनकरेक्ट हो जाए, लेकिन इसके लिए अपन सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 दिया हुआ है, वो चेक करते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी लेंस की, फोकल लेंथ आएगी 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि n लिया हुआ है, n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, एंड हियर r1 इज r और r2 जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/r आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू n माइनस 1 बाय r, अब r की वैल्यू यहां पे 30 हमने फाइंड आउट कर ली है, तो 30 है ये, तो 30 को इधर ले जाऊं मैं, 30 बाय f इज इक्वल टू n माइनस 1, सो हियर n इक्वल टू 30 बाय f प्लस 1। अब अगर f की वैल्यू मैं 20 रखूं यहां पर, तो 20 रखने पर 3 बाय 2 आएगा, 1.5 प्लस 1 तो 2.5 आ रहा है, और अगर मैं 60 रख दूं तो 1/2 प्लस 1 मतलब 1.5 आ रहा है, जबकि 2.5 दे रखा है, इसका मतलब 20 वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। अगर n की वैल्यू यहां पर 1.5 अगर आती तो उस केस में ये इनकरेक्ट हो जाता 20 वाला, समझ में आई बात, तो उसके हिसाब से अपन जवाब दे देंगे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इसके साथ साथ ये सही हो जाते, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 2, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। देखिए ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस डी हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जेड दैट इंक्रीजेस विद जेड, हियर जेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस इनसाइड स्लैब मेजर्ड फ्रॉम टॉप, द स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन टू मीडिया विद यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, एंड हियर n1 इज लेस देन n2, ओके, एज शोन द फिगर, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा 1 फ्रॉम द मीडियम 1 एंड इमर्जेस इन मीडियम 2 विद रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन एंगल थीटा f, करेक्ट। तो ये आपको यहां पर दे रखा है, तो यहां से एंगल थीटा आई है, सॉरी ये थीटा वन नहीं है, थीटा आई है और थीटा एफ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लगातार नीचे जाने पे बढ़ रहा है, तो लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती जाएगी, और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए ये स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर लगातार इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ जाने पर, ये नॉर्मल है, यहां से लाइट रे एंटर कर रही है थीटा आई एंगल से, ठीक है, तो लगातार नीचे जाने पर एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो, तो लाइट रे लगातार टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती जाएगी, कुछ ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती जाएगी, और यहां पर लाइट रे जो है बाहर आ रही है, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा एफ है, यहां का रिफ्रैक्ट इंडेक्स एन वन है, ये वाला एन टू है, और बीच में जो भी है लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो काफी सिंपल है ये क्वेश्चन, कोई हाईफाई नहीं है। अब इसमें ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन टू, एल जो दे रखा है आपको ये वाली लेंथ दे रखी है, देखिए गौर से, मतलब ये वाली लेंथ है एल, क्या L N2 से इंडिपेंडेंट होगा, डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि यहां पर N3 भी होता तो भी क्या होता, लाइट रे जो बैंड हो रही है वो तो अंदर वाले मीडियम के अकॉर्डिंग बैंड हो रही है, अंदर वाले मीडियम के अकॉर्डिंग बैंड हो रही है, इसका मतलब जो L है वो N2 पर तो कंफर्म है, डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट है। सेकंड कह रहा है L इज डिपेंडेंट ऑन NZ, यस NZ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि NZ जो है इसके मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स है, अगर ये जो NZ है जो है वो n की वैल्यू लगातार नीचे जाने पे लगातार इंक्रीज हो रही है, अब रिलेशन क्या है z के साथ उस पे डिपेंड करेगा, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान के चलें कि वो ज्यादा अमाउंट से चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू लगातार मतलब ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ जाने पर, तो ये लाइट और ज्यादा बैंड हो जाएगी, करेक्ट, बैंडिंग और ज्यादा होगी, इसका मतलब एल जो है वो nz पे डिपेंड करेगा, ये भी कंफर्म है। थर्ड कह रहा है n1 sin थीटा i इक्वल्स टू n2 sin थीटा f, और फोर्थ कह रहा है n1 sin थीटा i इक्वल टू n2 माइनस n1 sin थीटा f, इसको देख लेते हैं अपन एक बार, ठीक है, चलिए देखो, अब ये जो फोटो मैंने बनाई है इसको मैं एक बार रब करूं यहां पर और ध्यान से देखना, काफी इजी पार्ट है बेटा, जैसे ये नॉर्मल है राइट, ये लाइट रे यहां से एंटर करती है, और मैं ये मान के चलता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ना होकर के, ठीक है, पर्टिकुलर गैप में इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैं ये मान के चलूं कि यहां पर जो स्लैब है केवल ये एक स्लैब ले ली मैंने, फिर नेक्स्ट ये स्लैब है, नेक्स्ट ये स्लैब है, राइट। अब जब लाइट रे यहां से एंटर करेगी, सपोज इस स्लैब के अंदर एंटर करती है, ये रिफ्रैक्ट होगी थोड़ी सी, देन फिर नेक्स्ट स्लैब के अंदर एंटर करती है थोड़ी और रिफ्रैक्ट हो गई, फिर नेक्स्ट स्लैब के अंदर एंटर करती है थोड़ी और रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो यहां पर ये वाला एंगल जो है, सपोज मैंने कंसीडर कर लिया R1, तो ये वाला भी R1 होगा फिर, तो ये वाला अगर मैं R2 कंसीडर करूं तो फिर ये वाला भी R2 हो जाएगा, ये वाला अगर R3 कंसीडर करूं तो फिर ये वाला भी R3 कंसीडर करना पड़ेगा, और बाहर वाला जो N2 है तो फिर ये लाइट जो बाहर जाएगी, तो ये मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा एफ है, करेक्ट। तो इस वजह से ये आप इस रे को ड्रॉ कर सकते हो। अब यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं इस मीडियम के लिए, इस इंटरफेस के लिए, तो N1 साइन थीटा आई बराबर यहां के लिए, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है कितना है, तो मैं इसको N डैश मान लेता हूं, तो N डैश साइन R1, ये इस इंटरफेस के लिए बना। अब जब मैं इस इंटरफेस पे जाऊंगा, इसके लिए स्नेल्स लॉ क्या लिखूंगा, N डैश साइन R1 R1 इज इक्वल टू, यहां पर कितना है इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज N डबल डैश है, तो N डबल डैश साइन R2, ठीक है। इस तरीके से आगे लगातार चलते जाएंगे, और जब इन इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये वाला पार्ट इससे डायरेक्ट कट रहा है, देखो ऐसे सिमिलरली ये वाला पार्ट भी किसी से कट जाएगा नीचे वाले से, ठीक है। और लास्ट में जब लाइट रे यहां से इमर्ज हो रही है, तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, बराबर में यहां पर N2 आएगा और साइन थीटा एफ आएगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट कट जाएंगे बीच वाले, और लास्ट में ये N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन थीटा एफ आ जाएगा, समझ आई बात। तो ये इन दोनों के लिए आप लगा मतलब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये कब लगेगा, जब स्लैब पैरेलल हो, ठीक है, स्लैब पैरेलल हो तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो ये कंडीशन, ठीक है। तो N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 साइन थीटा एफ, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, देखो फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड भी इसका ठीक है, फोर्थ इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इसके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, आइए। ओके, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, द मिरर इज टिल्टेड सच दैट द एक्सिस ऑफ द मिरर इज एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द लेंस एज शोन द फिगर, ठीक है। अब पूछा क्या है, इफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टेकन टू बी एट द सेंटर ऑफ द लेंस, द कोऑर्डिनेट्स इन सेंटीमीटर ऑफ द पॉइंट x, y एट विच द इमेज इज फॉर्मड आर, तो जो इमेज बनेगी उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। ये काफी बढ़िया न्यूमेरिकल था, लेकिन इसमें करेक्शंस हैं, ठीक है। जेई ने इसको कंसीडर नहीं किया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जेई के अकॉर्डिंग उन्होंने किस तरीके से इसको सोचा है, किस तरीके से इसको किया है, बट वो राइट अप्रोच नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, ये लेंस है यहां पर, ऑब्जेक्ट काफी स्मॉल है, इसने पहले से कंसीडर कर लिया है, और यहां से जब लाइट रे इस लेंस पर इंसिडेंट होगी, है ना, लाइट रे जब लेंस पर इंसिडेंट होगी, मैं इसका एक बार डायग्राम बना लूं, ये लेंस है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ओके, नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ऑब्जेक्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर पे आपको गिवन है, तो यहां पर ये 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट आ गया, वो दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज f इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर,
ये भी गिवन है हमें। उसके अलावा ये जो लेंस है, ये जो मिरर है, इस मिरर की डिस्टेंस भी हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और मिरर की जो रेडियस है आर बराबर 100 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और मिरर को 30 डिग्री एंगल से रोटेट कर रखा है हमने। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से ये डायग्राम है, और फाइनल इमेज की कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और जो ओरिजिन है वो इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो लाइट रे इस लेंस से पास होंगी, लेंस से पास होंगी तो इमेज भी फॉर्म होगी। लेंस के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन की बात करें तो उस इमेज की लोकेशन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले 1/v - 1/u, u इज -50, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, बराबर 1/f, f इज 30। ये वैल्यू यहां रखें तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 - 1/50, एलसीएम 150 का आ गया। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, नहीं सॉरी 5 माइनस ये आ जाएगा 3, तो 5 - 3 2, तो 2/150 मतलब 75, तो 1/75 इक्वल टू 1/v, दैट मींस v इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज यहां से पास होंगी, ठीक है, लाइट रे अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे कंसीडर करूं, लाइट रे यूं सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो उसके अकॉर्डिंग 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लेंस से इमेज फॉर्म होगी, और ये 50 सेंटीमीटर गिवन है, दैट मींस जो इमेज है वो कहीं ना कहीं यहां पे फॉर्म हो रही है। सो दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, ये 25 है, टोटल 75 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये वाला एंगल 30 है, ये भी हमें नजर आ रहा है यहां पर। ये इमेज बन गई I1। अब ये जो लाइट रे है यहां से रिफ्लेक्ट होगी। अब मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन अगर आपको देखना है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ चुकी है कि एंगल 30 है तो ये लाइट रे जो है ना इस मिरर के लिए पैरेक्सिल नहीं होगी, और अगर पैरेक्सिल नहीं है तो मार्जिनल रे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा टिपिकल है, और उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली जो वैल्यू है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर आएंगी तो उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जेई ने इसको किस तरीके से डील किया है वो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। जैसे अगर ये मिरर, अगर मिरर की बात करें, अगर मिरर देखा जाए तो टिल्टेड नहीं होता, ठीक है, मिरर अगर टिल्टेड नहीं होता तो उस केस में क्या बनता, उसको एक बार मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, देखना। देखिए, अगर मिरर टिल्टेड नहीं होता, मिरर ऐसा कैसा रहता, ठीक है, और यहां पे ये 25 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुई है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बराबर आपको 100 दे रखा है, दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 50 सेंटीमीटर। तो इस रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी उसकी लोकेशन अपन फाइंड आउट करके देखते हैं। तो मिरर के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, सो 1/v + 1/u, एंड हियर u इज +25, इंसिडेंट रे के अलोंग है, 1/f, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी इसकी 1/50, सो 1/50 - 1/25, दैट मींस -1/50, दैट मींस v इक्वल्स टू -50। तो v इक्वल्स टू -50 का मतलब हुआ इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी, इस तरह बनेगी, 50 मतलब यहां पर, यहां पे इमेज बनेगी, इस मिरर वाली जो इमेज है ना, रिफ्लेक्शन बाद जो इमेज बनेगी वो 50 बनेगी, यहां बन गई इमेज, ठीक है। तो 50 पे इमेज बन गई। अब ये जो लाइट रे जा रही है, अब जेई ने जो उसके अनुसार जो सोचा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मिरर को अगर आप टिल्ट कर देते हो 30 डिग्री एंगल से तो ये जो लाइट रे जा रही है वो डबल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर को जब टिल्ट करते हैं थीटा एंगल से तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई बदलाव ना करें अपन तो उसके इसमें जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है वो डबल एंगल से रोटेट हो जाती है। तो ये काफी सिंपल, और वैसे भी ऑप्टिकल जो प्रिंसिपल एक्सिस उससे भी देख सकते हैं अपन, क्योंकि पोल पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो अगर मैं इस मिरर को टिल्ट कर दूं, ठीक है, और ये नॉर्मल अब इस डायरेक्शन चला जाएगा तो ये वाला एंगल अब 30 आ गया। तो ये जो इमेज बन रही थी यहां पर, देखिए ध्यान से, ये इमेज, अब ये इमेज इस लाइट रे के साथ साथ इधर चली जाएगी, देखो यहां पर बन जाएगी, ठीक है। ये 50 है तो उन्होंने इसको भी 50 कंसीडर कर लिया, 50 सेंटीमीटर, दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, तो ये 50 हुआ, अब ये 60 है पूरा, 30 + 30 = 60 हो गया। इसका मतलब अगर इमेज यहां बन रही है तो इसका जो ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा, 50 sin 60, और 50 sin 60 मतलब आ जाता है 50√3/2, विच मीन्स 25√3, सो दिस हाइट इज 25√3,
एंड बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 50 cos 60 एंड 50 cos 60 इज 25. सो दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर. सो इफ द ओरिजिन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ लेंस देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इमेज इज 25 बिकॉज दिस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर. 50 माइनस 20 दैट मीन्स दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर. सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इमेज इज 25 सेंटीमीटर एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इमेज इज 25 रूट 3 सेंटीमीटर. क्लियर? बट ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन जेई इसी आंसर के साथ गया था. उसने रिफ्लेक्शन ले लिया, लेकिन अगर ये प्लेन मिरर होता ना उस केस में तो ठीक है, इस बात को बात से हम एग्री करते हैं. लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो मिरर को जब आप रोटेट करोगे सीधी सी बात है इस पे लाइट रहे, क्योंकि सरफेस का जो है सरफेस भी तो जो है राउंड शेप में है, तो लाइट रे जो पहले उस जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही थी उस पॉइंट पे इंसिडेंट नहीं होगी, वो किसी दूसरे पॉइंट पे इंसिडेंट होगी. उसके अकॉर्डिंग फिर ये इमेज इस लोकेशन पे एग्जैक्टली नहीं फॉर्म होगी, ठीक है, लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग जवाब देना था बस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो इसका आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग इसको रब कर दें, 25 एक्स कोऑर्डिनेट एंड 25 रूट 3 वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. While conducting the Young's double slit experiment, a student replaced the two with a large opaque plate in the XY plane containing two small holes that act as two coherent point sources S1, S2. Emitting light of wavelength 600 nanometer, the student mistakenly placed the screen parallel to the XZ plane for Z greater than 0. At a distance d equals to 3 meter from the midpoint of S1, S2, okay, as shown schematically in the figure, the distance the source small d equals to 0.6003 mm, the origin O is at the intersection of the screen, the line joining S1, S2. Which of the following is are true for the intensity pattern on the screen? देखिए YDSC का ये क्वेश्चन है, लेकिन उसमें YDSC के अंदर ध्यान रखें डबल स्लिट होती है, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ पे स्मॉल होल्स किए हैं. अगर स्लिट होती है तो उस केस में जो सोर्स बनता है ना स्लिट से, ठीक है, उसका वेव फ्रंट जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, वो एक लाइन सोर्स की तरह बिहेव करता है. लेकिन यहां पर पॉइंट सोर्स है तो यहां पर सीधी सी बात है स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां से इमिनेट होंगे, और सामने स्क्रीन रखने की बजाय इसने साइड में स्क्रीन रखी है, आपको नजर आ रहा होगा. तो इस स्क्रीन पे अपन को ऑब्जर्व करना है कि जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी शेप क्या होगी. देखिए हाइपरबोलिक ब्राइटली एंड डार्क बैंड्स विद फोकाई सिमेट्रिकली प्लेस्ड अबाउट इन द एक्स डायरेक्शन स्टेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स सेंटर्ड एट पॉइंट ओ द रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट ओ विल बी डार्क. ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है. तो इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं. ठीक है, कुछ ये है एंड देन सामने स्क्रीन है जी. ओके, ठीक है, सोर्स S1 S2 है. सोर्स S1 S2 को यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं. ये S1, ये S2, बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल d है, एंड जो कैपिटल d यहां पर हमें गिवन है वो मिड पॉइंट से डिस्टेंस है. यहां पे ये सेंटर है स्क्रीन का, ओ नीचे वाला पोर्शन नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे ड्रॉ किया, मतलब नीचे वाला पार्ट में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा. दोनों कोरेंट हैं, सीधी सी बात है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, दोनों से वेव फ्रंट जो बनेंगे स्फेरिकल बनेंगे. ओके, बाकी हमें सामने फ्रिंज पैटर्न देखना है यहां पर. चलिए देखिए, अगर यहां से वेव सामने स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे मीट करती है, एक वेव यहां से आ रही है सामने किसी स्क्रीन पे, मतलब उसी सेम पॉइंट पे मीट करती है, तो इनके बीच में जो भी पाथ डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पे नजर आएगा. सेम पैटर्न यहां पे भी नजर आएगा,
सेम डिस्टेंस पर अगर हम बात करें तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पे नजर आएगा हमें, सेम इंटरफेरेंस पैटर्न इस पॉइंट पे भी नजर आएगा। और अगर आप गौर से देखो इस पार्ट को तो ये दोनों पॉइंट सोर्स ऐसे हैं, S1 S2, स्क्रीन यहां पर है, ठीक है, इस प्लेन में पूरे में है, नीचे वाले पार्ट में नहीं है, केवल ऊपर वाले पार्ट में। तो इनसे जो यहां पे जो फ्रिंज पैटर्न मिलेगा सेम पैटर्न यहां पे मिलेगा। एंड सिमिलर वे से इस तरफ अगर मैं आपके सामने फ्रंट में चलूं तो यहां से ऐसे भी जाएंगी वेव्स और ऐसे भी जाएंगी वेव्स। इसका मतलब पूरे एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस में बात करें तो सेम इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा ना, यहां स्क्रीन पर बात करें तो इस वाले पार्ट में बात करें तो सेम पैटर्न नजर आएगा अपन को, सेम पैटर्न पूरे सर्कल में, समझ आई बात। और मान लीजिए ये कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो यहां पर एक ब्राइट रिंग नजर आएगी अपन को, एन की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सेम जैसे मैं ये कहूं कि मुझे यहां पे देखना है तो यहां पे भी हो सकता है कि इसी सेम पैटर्न से यहां से वेव्स आएंगी, यहां पे वेव्स आएंगी सेम पैटर्न से, तो इसमें भी यूं सर्कल नजर आएगा। तो फ्रंट में हमें स्क्रीन पर जो है वो कोसेंट्रिक ब्राइट फ्रिंजेस बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है, बैंड्स नजर आएंगे, सर्कुलर बैंड्स नजर आएंगे। लेकिन क्या कंप्लीट सर्कल नजर आएगा? नहीं, कंप्लीट सर्कल नजर नहीं आएगा। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है नीचे वाले पार्ट में लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है, नीचे वाले पार्ट में लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें, अगर नीचे वाले लाइट में रीजन में लाइट पहुंचेगी नहीं तो हमें सेमी सर्कल नजर आएंगे, इज दैट क्लियर, वो भी कोसेंट्रिक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं और क्या ऑप्शन हमें दे रखा है यहां पर। तो हाइपरबोलिक गलत है, स्ट्रेट लाइन ये भी गलत है, सेमी सर्कुलर ये सही है, द रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट ओ विल बी डार्क, ओ पॉइंट के नजदीक हमें देखना है कि इंटरफेरेंस कैसा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव है कि कंस्ट्रक्टिव है, ये चेक करना है। तो अगर S1 S2 से वेव आएगी ओ पॉइंट पर तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो ये वाला आएगा डी, तो पाथ डिफरेंस इज डी एंड विच इज 0.6003 मिलीमीटर, राइट, 0.6003 मिलीमीटर, मतलब 10^-3, ये आ गया हमारे पास, है ना। अगर मैं इसको लैम्डा से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक ऑर्डर पता लग जाएगा कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए यहां पर कुछ इंटरफेरेंस नजर आएगा अपन को, अगर मैं इसको लैम्डा से डिवाइड कर दूं तो डी बाई अगर लैम्डा कर दूं मैं, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है यहां पर विच इज 600 नैनोमीटर, तो 600 से मैं अगर डिवाइड कर दूं नैनोमीटर 10^-9, तो ये कट गया, ये माइनस का 6 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और वैसे 00 से यहां से कट कर दो तो ये माइनस का 4 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 6003 पॉइंट में है, ठीक है, तो ये 4 है, तो उस केस में 1, 2, 3, 4 मैंने एक पॉइंट, ओके अब ठीक है, तो 6003/6 आ जाएगा, ये डी बाय लैम्डा की वैल्यू है। और अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो 100, ठीक है, 3 की बात करें तो ये 0 आ गया पॉइंट, एंड 30/6 मतलब 0.5, आई थिंक मैंने ये कैलकुलेशन सही की होगी, बाकी आप देख लेना। लेकिन 1000 या 100 आएगा साइज जो भी है, तो 0.5 आ रहा है यहां पर, ठीक है, और 0.5 का मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव तो नहीं है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव होगा ये। तो यहां पर इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा अपन को, मतलब डार्क पॉइंट नजर आएगा, डार्क पॉइंट नजर आएगा, ये वही कह रहा है, द रीजन वेरी क्लोज द पॉइंट ओ विल बी डार्क, यस सही है, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव है, तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, जेई के अंदर पूछा गया था 2016 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फॉर एन आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल ए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इक्वल्स टू ए। तो आइसोसेलेस प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल ए है, एंड मिनिमम डेविएशन जो है डेल्टा एम, उसकी वैल्यू भी ए के बराबर है, और उसके अकॉर्डिंग हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ओके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट एंगल आई वन एंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल आर वन एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर रिलेटेड बाय आर वन इक्वल्स टू आई वन बाय टू, क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चले अपन। देखो डेल्टा एम की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं 2i-a के इक्वल होता है ये, क्योंकि i प्लस e-a होता है, i और e दोनों बराबर होते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में। सो ये डेल्टा एम इज इक्वल टू a, तो डेल्टा एम की वैल्यू a के बराबर है 2i-a
राइट, तो ए से ये 2a हो गया, तो यहां से आई की वैल्यू ए के बराबर आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो ए के इक्वल है, और हम अच्छे से जानते हैं डेल्टा मिनिमम के लिए आर वन और आर टू दोनों बराबर होते हैं, और आर वन और आर टू का सम ए के बराबर होता है, इसका मतलब 2R1 बराबर ए, विच मीन्स आर वन इक्वल टू ए बाई टू, और ए की वैल्यू एक्जैक्टली आई के बराबर है, दैट मीन्स आई बाई टू। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फॉर फर्स्ट सर्फेस, वो आई बाई टू के बराबर आ रहा है, और फर्स्ट ऑप्शन में भी ये यही कह रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी यही कह रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखिए, फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म ए आर रिलेटेड एज ए इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स म्यू बाई टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को हमें सेटल करना है और उससे ए की वैल्यू निकालनी है, क्या इसके बराबर आ रहा है 1/2 cos इनवर्स म्यू बाई टू, याद रखना। चलिए देखते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू, ये बहुत ही कॉमन रिलेशन है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू साइन। अब डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ए के इक्वल है, तो ये ए और ए टू ए टू ए बाई टू मतलब ए के बराबर आ गया, और डिवाइड में साइन ए बाई टू है। अब साइन ए जो है उसको लिख सकता हूं 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, साइन ए बाई टू यहां से कट जाएगा, केवल 2 कोस ए बाई टू के बराबर आया, और यहां से 2 को इधर डिवाइड में ले जाऊं तो म्यू बाई टू आ जाएगा, और कोस है तो कोस इनवर्स में आ जाएगा, सो कोस इनवर्स म्यू बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू, सो यर ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स म्यू बाई टू, तो ए की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स म्यू बाई टू है। क्या ये सही है, देखते हैं, नहीं ये गलत है, ये 1/2 आ रहा है, लेकिन 2 टाइम्स होता तो ये सही हो जाता है यहां पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर दिस प्रिज्म द एमर्जेंट रे एट द सेकंड सरफेस विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट सरफेस इज आई वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, ये अंडर रूट पूरे में है, ये कंप्लीट है यहां तक, 4 कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, फिर माइनस का कोस है, इसको चेक करना है, मतलब सेकंड सरफेस जो है ना उससे लाइट रे जो है उसका ग्रेजिंग एमरजेंस हुआ है, वो टेंजेंशियली सरफेस के साथ गई है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा, यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसी प्रिज्म के लिए बात हो रही है, इसी प्रिज्म के लिए बात हो रही है, इसका मतलब हमें ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ सकता है, म्यू इक्वल्स टू 2 कोस ए बाई टू वाला। ठीक है, चलो देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलें, फिर मिलान करते हैं इसका, इसको मैं यहां से उड़ा देता हूं। आइए, तो ये है प्रिज्म, यहां से लाइट रे एंटर करती है एंगल आई के साथ, रिफ्रैक्ट हुई, ये आर आर वन ले लो, यहां से लाइट रे टेंजेंशियली चली जाती है, ये वाला आर टू है, ये वाला एंगल ए है प्रिज्म एंगल, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आपने गौर किया होगा जो आंसर है, जो भी ऑप्शन था उसके अंदर म्यू कहीं नहीं था, तो म्यू को हमें हटाना ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, बाकी ये सामने रिलेशन है ही हमारे। अब देखिए इस सरफेस के लिए बात करें, ये एंगल 90 है, तो यहां पर म्यू है, स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो म्यू साइन आर टू बराबर आ जाएगा यहां पर, साइन 90 मतलब 1, तो म्यू साइन आर टू की वैल्यू 1 रखनी है हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं इस वाले पार्ट के लिए, तो मैं लिख सकता हूं साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, और आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए के इक्वल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई चाहिए हमें, तो आई बराबर लिख सकता हूं साइन को, ले जाओ तो देखो साइन इनवर्स यह आ जाएगा म्यू साइन आर वन, और आर वन को लिख सकता हूं ए माइनस आर टू, यह आ गया। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम को मैं रब कर दूं, यहां पे हम अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देखिए आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू, साइन ए माइनस आर टू है, ओपन कर दीजिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, साइन ए कोस आर टू माइनस कोस ए साइन आर टू, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखो म्यू साइन आर टू की वैल्यू 1 है, तो म्यू साइन आर टू देखो आ रहा है इसमें, म्यू साइन आर टू इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 रख देंगे अपन, लेकिन यहां पे आर टू आ रहा है ये, और आर टू को अपन सेटल डाउन कर सकते हैं, इसको मैं उड़ा देता हूं यहां पर, तो ये मैं डायरेक्ट वैल्यू यहां पर रख देता हूं, म्यू कोस ए आर साइन आर टू है, तो म्यू माइनस म्यू, अच्छा म्यू को तो उड़ा ही दिया था हमने, तो यहां पर केवल कोस से बच गया,
क्योंकि म्यू साइन आर टू की वैल्यू वन हो चुकी थी, तो म्यू साइन ए कोस आर टू है यहां पर। अच्छा, कोस आर टू की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, कोस आर टू के लिए मैंने अभी भी रिलेशन आप लिख सकते हो आराम से, क्योंकि साइन आर टू की वैल्यू देखो वन के इक्वल है, वन बाय म्यू के इक्वल है, तो कोस आर टू की वैल्यू अपन अंडर रूट में लिख सकते हैं, उसको सेटल कर सकते हैं। देखो साइन इनवर्स म्यू साइन ए आ जाएगा अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर आर टू माइनस कोस ए। अब म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, साइन इनवर्स यहां साइन ए आ जाएगा अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर टू, और म्यू साइन आर टू के लिए वन है तो इसका मतलब ये पूरा वन हो जाएगा, ठीक है, और यहां से माइनस में कोस ए। अब म्यू गिवन नहीं हमें, तो म्यू को आप सेटल कर सकते हो टू कोस ए बाय टू से, तो म्यू की वैल्यू टू कोस ए बाय टू मैं यहां रख सकता हूं, तो यहां रख दें अपन तो ये वैल्यू आ जाएगी आई की साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर मतलब फोर कोस स्क्वायर ए बाय टू माइनस वन आ जाएगा, और माइनस में साइड में कोस ए, ये वैल्यू आ चुकी है। देखो इतना पार्ट अगर हम देखें तो, इतना पार्ट अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट ये पूरी तरह से इसमें मैच कर रहा है। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। यस, ये मैंने बताया था आपको ये पूरा है यहां तक, तो ये पूरी तरह से इसमें मैच कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो ही गया था, फर्स्ट इसका सही हो ही गया था। फोर्थ क्या कह रहा है, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन इक्वल टू ए द रे इंसिडेंट इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। देखो आई वन बराबर ए, तो ये मिनिमम डेविएशन वाला केस ही है, क्योंकि हमने आई वन बराबर ए कैलकुलेट किया था फर्स्ट ऑप्शन के केस में, तो मिनिमम डेविएशन के केस में जो लाइट रे है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगा, ये बात सही है या गलत है। देखो आइसोलेस प्रिज्म की बात कर, वैसे पूरी तरह से सही नहीं है ये लाइन, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये इसने कहा नहीं है कि जो प्रिज्म है उसका प्रिज्म एंगल कौन सा है। देखिए अगर ये प्रिज्म ऐसे रखा है ना, मतलब ये वाला एंगल ए है और ये दोनों एंगल, वैसे आइसोलेस प्रिज्म है, ये दोनों एंगल बराबर है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो मिनिमम डेविएशन केस में लाइट रे कंफर्म है पैरेलल जाएगी, इसके पैरेलल जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा ये ए ये वाला है कि ये वाला है, अगर ये वाला हुआ तो उस केस में ये पैरेलल नहीं जाएगी, ठीक है, उस केस में ये पैरेलल नहीं जाएगी लाइट रे, देखिए उस केस में ये पैरेलल नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो कुछ इस टाइप से बनेगा ये डायग्राम, ये दोनों एंगल बराबर है, ये वाला ए होगा तो फिर ये वाला भी ए होगा, फिर ये लाइट रे जो है वो ऐसे जाएगी पास होगी देन यू मतलब ये वाला आइसोलेस प्रिज्म है एग्जैक्टली, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो उसके इसमें ये वाली लाइट रे और ये बेस जो है पैरेलल किसी भी हालत में नहीं होंगे, ठीक है, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये मैं नहीं मानता सही है, ठीक है, जनरल केस की अगर अपन बात करें, लेकिन फिर भी आईआईटी ने इसको दिया था कि जिसने फर्स्ट एंड थर्ड जो किए वो भी सही है और जिसने फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ भी किया वो भी सही है, पता नहीं ये क्यों सही दिया, जो भी है खैर फर्स्ट थर्ड है वो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप देख सकते हो पढ़ सकते हो, तो इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये पूरी तरह से ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें बेटा, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल्स टू 1.6, एन की वैल्यू 1.6 है, इट एंटर्स ए स्टैक ऑफ ग्लास लेयर्स फ्रॉम द बॉटम साइड एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, द इंटरफेस ऑफ द ग्लास लेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिफरेंट ग्लास लेयर्स आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एज एन एम इक्वल्स टू एन माइनस एम डेल्टा एन, वेयर एन एम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एम एथ स्लैब एंड डेल्टा एन इक्वल्स टू 0.1, ठीक है, डेल्टा एन की वैल्यू 0.1 है, द रे इज रिफ्रैक्टेड आउट पैरेलल टू द इंटरफेस बिटवीन एम माइनस वन एंड एम एथ स्लैब फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्टैक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू हमें से पूछी है। इसका कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, यहां से लाइट रे ग्रेजिंग इमर्जेंस से ये एंगल 90 है, यहां से लाइट रे एंटर कर रही है थीटा एंगल से और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट स्नेल्स लॉ यहां से यहां के लिए लगा सकता हूं, तो यहां के लिए स्नेल्स लॉ क्योंकि पैरेलल स्लैब सही है, तो स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें यहां पर तो एन इंटू साइन थीटा, एन इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर मीडियम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन माइनस एम डेल्टा एन है, तो एन माइनस एम डेल्टा एन इंटू साइन 90,
बस खत्म हो गया सॉल्व ये। अब एन की वैल्यू 1.6 आपको दे रखी, तो 1.6 थीटा की वैल्यू 30 है, तो साइन 30 यहां पे रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। एन की वैल्यू 1.6 माइनस एम, एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, और डेल्टा एन की वैल्यू 0.1 है देखो, और साइन 91 हो ही जाएगा। इससे कट करें तो ये 0.8 आया, 1.6 इधर आएगा, तो माइनस का 0.8 माइनस का एम इंटू 0.1, ये माइनस का है, ठीक है। तो 0.1 ये कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, और ये पॉइंट हट जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो एम की वैल्यू यहां पर कितनी आई, 8 के बराबर आ जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन है, एम इक्वल्स टू 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर आर प्लेस सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एज शोन। द सोर्सेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इक्वल्स टू 1.8 mm। दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विजिबल एज अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट इज डेल्टा थीटा, जो कि डायग्राम में शो कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस या तो डार्क ले लो या ब्राइट ले लो, ठीक है। डार्क ब्राइट को अपन एक ही फ्रिंज के अंदर कंसीडर करते हैं नंबर की जब बात आती है। तो यहां पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात आ रही है, P1 से P2 के बीच में नंबर ऑफ फ्रिंजेस 3000 के आसपास बनेगी कि नहीं बनेगी, वो चेक करेंगे अभी अपन। ए डार्क स्पॉट विल बी फॉर्मड एट अ पॉइंट P, पॉइंट P2, पॉइंट P2 पर हमें पता लगाना है कि डार्क स्पॉट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि नहीं है। थर्ड ग्रेड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2। P1 से P2 की तरफ जब चलेंगे तो क्या जो एंगुलर सेपरेशन है टू कंसेक्यूटिव डार्क ब्राइट स्पॉट के बीच का, वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उसको भी देखना है, या सॉरी घट रहा है कि नहीं घट रहा है उसको देखना है। और एट P2 द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम। P2 पर जो ऑर्डर है फ्रिंज का वो सबसे ज्यादा है। ऑर्डर मतलब एन लैम्डा की बात करें, है ना, या 2n-1 λ/2 की बात करें तो एन की वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं वहां पर, वो चेक करना है। तो चलिए इसको मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर। तो ये आपका सर्कल है, सफिशियंट है साइज। नेक्स्ट इसका सेंटर कहीं यहां पे है, तो ओके तो ये कुछ है यहां पर, और बाकी दोनों सोर्स जो हैं काफी पास पास हैं ये, ठीक है। दिस इज S1, दिस इज S2, एंड S1 S2 के बीच का जो गैप है D, उसकी वैल्यू मैं यहां साइड में लिख देता हूं, एंड D इज इक्वल टू 1.8 mm। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 600 nm, एंड डेल्टा थीटा जो है कॉन्जिगेटिव जो ब्राइट स्पॉट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है, ओके। तो ये कुछ हमारे सामने जो भी है डाटा है। तो ऑप्शंस आप ध्यान रखिएगा, P2 यहां पर है, P1 भी लिख देता हूं मैं यहां पर, P1 एंड दिस वन इज P2, ओके। तो फर्स्ट कह रहा है P1 और P2 के बीच में नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो 3000 है, उसका आइडिया लगाना है। फिर ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट P2 पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो देखते हैं, और चलिए देखते हैं, ये यहीं देख लेते हैं। देखो P1 और P2 के बीच में पता लगाना है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आप पता लगा सकते हो। देखो P1 पे अगर अपन चलें तो S1 से वेव आएगी, S2 से वेव आएगी, सिमेट्रिकली रखें, इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां पे जीरो ऑर्डर मैक्सिमम बनेगा, ये तो कंफर्म है, पाथ डिफरेंस जीरो हो गया ना, तो एन लैम्डा बराबर जीरो, एन बराबर जीरो। अब यहां पर बात करें P2 पर, P2 पर जब S2 से वेव आएगी वो ऐसे आएगी और S1 से वेव ऐसे आएगी, तो पाथ डिफरेंस एक्जैक्टली डी के बराबर है। तो P2 पे अगर अपन देखें, और मैं अगर ये मान के चलूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर P2 पे, तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, डी बराबर एन लैम्डा होना चाहिए, और एन की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करें तो डी बाय लैम्डा, डी की वैल्यू हमारे पास है 1.8 mm, mm की बात करें तो 10^-3, ठीक है, और डिवाइड में लैम्डा, लैम्डा मतलब 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10^-9। अब यहां से ये 2 तो ये कट गया, 7 आ गया, 7 में 3 कट गया तो माइनस का 4, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 4,
तो 1.8 तो 1.8 इन 10 टू द पावर 4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18000, सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और डिवाइड में क्या है, 6 है, 6 से कट करोगे कितना आएगा 3000, यस एग्जैक्टली, है ना, पूरा इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब यस नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो 3000 है, यहां पे 0 था तो यहां पे 3000, तो 3000 तक जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस यहां पे अपन को मिलेंगी, P1 से P2 रफली बोला है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर है 3000, अगर आप इसको भी कंसीडर करोगे n बराबर 0 वाले को 3001 हो जाएगा टोटल, इसको अगर अपन इंक्लूड करें तो, एक्सक्लूड नहीं करें तो, बाकी ठीक है। तो 3000 के आसपास इसने बोला है तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ए डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट द पॉइंट P2, P2 पॉइंट पे डार्क स्पॉट बन रहा, नहीं बिल्कुल गलत, क्योंकि 3000 वाला ये n बराबर की जो वैल्यू है वो 3000 आई है, इंटीजर आया, और मैंने कंस्ट्रक्टिव मान के इसको सॉल्व किया था, इसका मतलब यहां पर तो कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस है, यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव है, मतलब ब्राइट ब्राइट, तो P2 डार्क स्पॉट है, ये गलत है, तो सेकंड तो गलत हो गया, सेकंड हो गया गलत, फर्स्ट सही है इसका। थर्ड देखिए, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2 की तरफ जाएंगे तब जो एंगुलर सेपरेशन जो डेल्टा थीटा आपको जो नजर आ रहा है उस डायग्राम के अंदर टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच में वो डिक्रीज हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं अपन, जैसे एक ब्राइट स्पॉट यहां पे बना, उसका अगला ब्राइट स्पॉट यहां पे बना, ठीक है, और अगर मैं किसी ब्राइट स्पॉट के लिए बात करूं, ये ब्राइट स्पॉट मान लीजिए यहां पे, ये nth ब्राइट स्पॉट है, ये nth ब्राइट स्पॉट है, और इस ब्राइट स्पॉट की जो एंगुलर पोजिशन है वो ये वाली है, लेट से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, या इस थीटा की बजाय ये वाला थीटा मान लेता हूं मैं, यहां से मान लेता हूं मैं ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि अपन इधर जा रहे हैं ना, ये वाला थीटा ले लिया मैंने, तो ये nth ब्राइट फ्रिंज है, इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है, और ये वाला डिस्टेंस d है हमारे पास, तो इन दोनों, अगर ये सर्कल काफी बड़ा है तो इन दोनों वेव के लिए, ये वेव इधर जाएगी, ये वाली वेव इधर जाएगी, इन दोनों वेव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो एग्जैक्टली ये वाली लेंथ है, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, 90 minus theta, so the component of d along this side is d cos 90 minus theta, which is d sin theta. So this length is d sin theta. So the path difference between this wave and this wave, right, is a d sin theta. Here delta r is d sin theta. Path difference. और मैंने consecutive bright spot की बात करी है तो वो n lambda के बराबर होगा, है ना? D sin theta equals to n lambda. ये यहाँ पर clearly नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, n प्लस वन वाला पार्ट पे चलता हूं, क्योंकि इतना तो पता है यहां पे जीरो ऑर्डर था और यहां पे 3000 वाला था, तो ये n प्लस वन वाले पे चलता हूं, n प्लस वन वाले पे चलूंगा, तो ये एंगल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का सा d प्लस थीटा प्लस d थीटा हो गया, तो अब मैं इसको लिख दूंगा साइन थीटा प्लस d थीटा, सिंपल, और यहां पर आ गया n लैम्डा या n प्लस वन इंटू लैम्डा, n प्लस वन इंटू लैम्डा मतलब n लैम्डा प्लस लैम्डा। अब इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो वैसे कर लो, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा कॉस डी थीटा, डी थीटा इज वेरिएबल तो कॉस डी थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस फिर कॉस थीटा इंटू साइन डी थीटा, डी थीटा इज वेरिएबल तो साइन थीटा, डी थीटा हो जाएगा ऑलमोस्ट, डी थीटा क्या है, एंगुलर जो सेपरेशन है, क्योंकि यहां पर आएंगे तो यही तो आएगा डी थीटा, यही तो आएगा एंगल डी थीटा, सो ये डी थीटा आ गया, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बराबर एन लैम्डा प्लस लैम्डा, Here n lambda is d sin theta, तो ये मैं d sin theta रख दूंगा यहां पर, ये इससे कट गया डायरेक्ट, तो यहां से देखिए d theta की वैल्यू कितनी आई, here d theta is equal to lambda upon d cos theta, so this is the angular separation between two consecutive bright spot which is lambda upon d cos theta, lambda is constant, d is constant, तो अगर अपन P1 से P2 चलेंगे theta increase होगा, थीटा अगर इंक्रीज होगा कॉस थीटा डिक्रीज होगा, कॉस थीटा डिक्रीज होगा दैट मींस डी थीटा इंक्रीज होगा, तो एंगुलर सेपरेशन जो बढ़ता जा रहा है भाई, लेकिन इसने क्या कहा है यहां पर, इसने कहा है द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस, ये गलत हो गया ना, इंक्रीज होगा ये लगातार, ये हमने अभी इक्वेशन से यहां पे देख ही लिया, तो थर्ड ऑप्शन का इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है एट पी टू द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, यस 3000 वाला ऑर्डर आया था ये सही है, तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट है, क्योंकि P2 से अगर आप आगे चलोगे ना इधर की तरफ वापस यहां पर चलोगे तो इस पॉइंट पर अगेन अगर देखो तो पाथ डिफरेंस जीरो आएगा,
तो वापस जो ऑर्डर है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो पी टू पे ऑर्डर मैक्सिमम है, इधर वाले पे पार्ट पे चले ना तो इस पॉइंट पर भी ऑर्डर मैक्सिमम है, इसका मतलब इसके करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए। सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.3 किलो वोट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इग्नोर द एनर्जी लॉस ऑफ द लाइट ड्यू टू द लेंस एंड अज्यूम दैट द लेंस अपर्चर साइज इज मच स्मॉलर देन इट्स फोकल लेंथ। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन किलो वोट पर मीटर स्क्वायर एट डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड इज। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है ये, थोड़ा गौर से देखना। ये आपके पास लेंस है एंड लेंस का साइज बहुत छोटा है फोकल लेंथ के कंपेरेटिवली, तो यहां पर मैंने लेंस का साइज बड़ा बनाया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसका साइज काफी स्मॉल है। यहां से ये सनलाइट आ रही है, ये बीम आ रही है, और इस बीम की जो इंटेंसिटी है वो आपको गिवन है 1.3 किलो वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये थिन कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 है, तो ऑब्वियसली ये लाइट रे 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को पे कन्वर्ज होगी। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये 20 सेंटीमीटर है, करेक्ट। आगे क्या कह रहा है, द एनर्जी लॉस ड्यू टू द लाइट टू द लेंस एंड अज्यूम दैट द, अच्छा ये इग्नोर है, इग्नोर करना है अपन को, दैट द लेंस अपर्चर साइज इज वेरी वेरी स्मॉल देन इट्स फोकल लेंथ। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर मतलब ये 20 है तो 22 मतलब कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड इज। यहां पर आपको इंटेंसिटी बतानी है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है, क्लियर। अब इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करें, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। तो ये जो बीम आ रही है ना यहां पर, ये बीम कुछ ना कुछ ये वाला एंगल तो बना ही रही है यहां पर, ये वाला एंगल अगर थीटा मानू तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा यहां पर, ये ठीक है। अच्छा थीटा है तो सॉलिड एंगल भी थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, और सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें, अगर इस एंगल का आधा कर दूं ना मैं थीटा बाई टू, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल बनता है ओमेगा, उसकी वैल्यू 2π 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होती है। तो अल्टीमेटली मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि दोनों के अकॉर्डिंग जो सॉलिड एंगल वो बराबर बराबर आएगा, ठीक है, अगर मैं इन रेज की बीम की बात करूं तो। यहां पर ये सरफेस जो है क्योंकि बहुत छोटा है ये, तो इस सरफेस को फ्लैट ऑलमोस्ट मान सकते हो आप, फ्लैट अगर मैं एज्यूम करूं तो इस सरफेस का जो एरिया आएगा, एरिया ए बराबर, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाली। तो यहां पर एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा एंगल इंटू रेडियस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस इज 20, सो द एरिया इज सॉलिड एंगल ओमेगा इंटू ये वाली डिस्टेंस, मैं आर वन मान लेता हूं तो आर वन का स्क्वायर आ गया। एंड सिमिलर वे से यहां पर यही बीम आ रही है हमारे पास, तो हमें तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस वाले पार्ट के अंदर। तो ये भी एरिया काफी स्मॉल होगा, ये वाला एरिया अगर मैं ये वाला एरिया ए वन है, ये वाला एरिया अगर ए टू कंसिडर करूं, मुझे इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो सॉलिड एंगल तो सेम बनेगा यहां पर भी क्योंकि थीटा सेम है। तो यहां के लिए अगर मैं बात करूं, अच्छा ये थीटा बाई टू आएगा यहां पर सॉलिड एंगल, ठीक है, तो थीटा सेम है दोनों का, थीटा बाई टू सेम होगा, तो ए टू बराबर यहां पर कितना आएगा, ओमेगा इंटू में आर टू स्क्वायर, आर टू ये वाले डिस्टेंस है देखो यहां से यहां तक की। अच्छा ये 20 है और हमसे 22 पे पूछा, इसका मतलब आर टू की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये A1 A2 आपके पास आ चुका है। अब देखो जो लाइट आ रही है उस लाइट की पावर तो ठीक है, पावर तो सेम ही है ना, मैं आपसे कहूं कि जो लाइट यहां से निकलेगी इस रीजन से, वो सेम लाइट इस रीजन से भी निकलेगी, इसका मतलब पावर तो सेम ही होगी ना, पावर इस रीजन की और इस रीजन के लिए सेम होगी, इस पूरे सेक्शन के लिए पावर सेम होगी, इस पूरे सेक्शन के लिए पावर सेम होगी, पावर होता है इंटेंसिटी टू एरिया। तो यहां के लिए अगर पावर की बात करूं, पावर कितना आएगा, इंटेंसिटी इज 1.3 इंटू एरिया विच इज ओमेगा आर स्क्वायर, आर वन स्क्वायर, और इस रीजन के लिए पावर की बात करूं तो यहां पर जो इंटेंसिटी वो पता करनी हमें, मान लीजिए आई है, और इंटू में ओमेगा, ओमेगा सेम है, इंटू में आर टू स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव आई इक्वल्स टू 1.3 आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर। 1.3 ये किलो वोट के अंदर है और आर वन की वैल्यू हमारे पास है, आर वन है 20, ये 20 सेंटीमीटर है, और आर टू 2 है, सेंटीमीटर है तो कट जाएगा, स्क्वेयरिंग एक साथ कर देता हूं मैं, 2 से कटा तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, तो ये 1.3 इंटू 100 किलो वोट पर मीटर स्क्वायर। तो 1.3 इंटू 100 की बात करें तो ये आ जाएगा 130 किलो वोट पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, बेसिक सा सॉलिड एंगल पर बेस था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्टिक्स को भी इसके साथ मिक्स कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ए वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एज शोन इन द फिगर। ओके, विच ऑफ द फिगर्स शोन इन द फोर ऑप्शंस क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द इमेज ऑफ द बेंट वायर।
आपके सामने ये डायग्राम दे रखा है, ये वायर को बेंड कर रखा है और इसकी इमेज जो बनेगी उस इमेज को पूछा है। पहली बात तो देखो, इस वायर का ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस पे है, इसका मतलब जो इसकी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये तो कंफर्म है। तो ये दोनों तो सीधे सीधे इनकरेक्ट हो गए, खट खट गलत हो गई। ये दो इन्फिनिटी की बात करें, ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है। अब इसको चेक करना है हमें, तो एक काम करते हैं, यहां पर इस वायर पे ही मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, आपको नजर आ रहा होगा। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इस फोकस से जो डिस्टेंस है वो एक्स मान लेता हूं मैं। तो अगर फोकस से डिस्टेंस एस होगी तो इस इमेज की, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना, वो हाइट भी एक्स के बराबर होगी, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, 45 का मतलब ये हो गया बेस और जो परपेंडिकुलर है वो दोनों सेम लेंथ के होंगे। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अगर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की मैं इमेज फाइंड आउट करूं कि इमेज कहां बनेगी, तो शायद अपन रिजल्ट तक पहुंच सकें। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी, सो हियर दिस लेंथ इज एफ, देन द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज कितनी आएगी, एफ माइनस एक्स हो जाएगी ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज एफ माइनस एक्स। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए, वन अपॉन वी माइनस वन प्लस वन अपॉन यू, मिरर के लिए लगा रहा हूं, वन अपॉन यू, यू इज माइनस एफ माइनस एक्स, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज लेट्स से एफ, बट मिरर इज कॉनकेव, देन नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा हमें, तो माइनस का एफ आ गया यहां पर। तो यहां से देखो, वन अपॉन वी ये इधर जाएगा, माइनस का एफ ये माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, वन अपॉन एफ माइनस एक्स। चलिए इसका एलसीएम लीजिए और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एफ एफ माइनस एक्स, और यहां से एफ माइनस एक्स इधर गया तो माइनस का एफ प्लस एक्स, और यहां पर प्लस का एफ आ जाएगा, एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास वी की वैल्यू देखो क्या आ चुकी है, पॉजिटिव आ चुकी है। वी की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि इमेज जो है वो रियल बन रही है, ठीक है, सॉरी वर्चुअल बन रही है। तो वी इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है एफ एफ माइनस एक्स अपॉन में एफ, क्योंकि मिरर के केस में अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन्स इमेज वर्चुअल है, और लेंस के केस में आती है तो इमेज रियल बनती है बेटा। तो वी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे लिया है इस वायर पर, इसकी इमेज की हाइट क्या होगी। तो हाइट के लिए एम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, विच इज माइनस वी बाई यू, वी की वैल्यू हमारे पास है एफ एफ माइनस एक्स अपॉन एफ, और यू यू हमने अभी भी देखा था माइनस का एफ माइनस एक्स था, तो माइनस यह आ जाएगा एफ एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स आएगा ये एफ माइनस एक्स माइनस का। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, एफ माइनस एक्स से एफ माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, एम इज इक्वल टू वन आ रहा है यहां पर, करेक्ट। वन का मतलब समझ गए होंगे आप, वन का मतलब ये हुआ, आई थिंक मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की हो, बाकी सब कुछ ओके है, नहीं नहीं यहां पे गलती कर दी, ओके 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 ओके, ये गलती कर दी मैंने। v की वैल्यू कितनी आई, x आएगा यहां पर, ओके वापस करें इसको। तो m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू एफ एफ माइनस एक्स बाय एक्स, ओके, और u की वैल्यू माइनस ऑफ f माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया, ये f माइनस एक्स f माइनस एक्स भी कट गया, ओके। तो m की वैल्यू f बाय एक्स के बराबर आ रही है, f बाय एक्स, मैग्निफिकेशन इज f बाय एक्स। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो x के बराबर आई है, x के बराबर रख दूं तो x से x कट गया, देखो तो एच आई की वैल्यू एग्जैक्टली f के बराबर आ रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो कॉन्स्टेंट रहेगा। वैसे देखा जाए तो 45 डिग्री एंगल है ये अपने आप में बहुत, ये ज्यादा एंगल है, तो वैसे भी पैरेक्सियल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं प्रॉपरली देखा जाए, लेकिन बात करें तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के अगर काफी नजदीक चले ना अपने, ये वाले पॉइंट देखें, एकदम नजदीक वाले पॉइंट की बात करें, एकदम नजदीक वाले पॉइंट की बात करें, तो वो पॉइंट डेफिनेटली, क्योंकि इन्फिनिटी पे वो पॉइंट डेफिनेटली उनकी तो हाइट एफ के बराबर ही आएगी, एफ के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये जो बनाया है ना, ये वाला पार्ट, ये इन्फिनिटी वाले पे कंफर्म हाइट सेम आएगी, हाइट सेम आएगी। बाकी हो सकता है आगे जाकर के कुछ मामला थोड़ा सा उकचुक हो जाए, किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए हो सकता है थोड़ा सा मामला कुछ गड़बड़ हो जाए, ऊपर चला जाए नीचे चला जाए जो भी, लेकिन ये वाला पार्ट सही है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जो है फोर्थ ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, और आईआईटी ने भी इसका फोर्थ ही दिया था। तो जेई के अंदर कई बार ये पैरेक्सियल वाला जो लफड़ा है ये इसमें एम्बिग्यूटी रहती है, आईआईटी कई बार तो इसमें कंसीडर कर लेता है और कई बार कंसीडर नहीं करता है, स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A thin convex lens is made of two materials with refractive indices N1 and N2. As shown in the figure, the radius of curvature of the left and the right spherical surfaces are equal. Okay. तो इसका मतलब ये स्फेरिकल सरफेस जो है ये इसका आर है तो इसका भी आर हम कंसीडर करेंगे. एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन एन वन इक्वल टू एन टू इक्वल टू एन. तो ये दो मीडियम आपको दे रखे हैं यहां पर, तो एन वन एन टू जब बराबर हैं, एन के इक्वल है तो फोकल लेंथ एफ है. और उस केस में फोकल लेंथ आप इजिली लिख सकते हो, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये एन के बराबर है तो एन माइनस वन, और यहां पे वन अपॉन आर, वन माइनस वन अपॉन आर टू रखोगे तो वन अपॉन आर तो पॉजिटिव आएगा और वन अपॉन आर टू, आर टू नेगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो यहां पर टू बाय आर के बराबर वैल्यू आ जाएगी. तो वन अपॉन एफ के लिए तो मैंने वैल्यू लिख लिया यहां पर. अब नेक्स्ट करें, द फोकल लेंथ इज एफ प्लस डेल्टा एफ व्हेन एन वन इक्वल टू एन एंड एन टू इक्वल टू एन प्लस डेल्टा एन. तो ये हमें देखना पड़ेगा. अब यहां पे दो लेंस बन जाएंगे, एक तो इधर वाला बन जाएगा, एक इधर वाला बन जाएगा, और दोनों को कंबाइन करेंगे और उस केस में फोकल लेंथ हमें देखनी है. एज्यूमिंग डेल्टा एन इज वेरी वेरी लेस देन एन माइनस वन, एंड एन की वैल्यू जो एक और दो के बीच में लाई कर रही है, ठीक है. तो डेल्टा एन जो है वो एन प्लस डेल्टा एन है, और उस केस में हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं. अब ये कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाय एफ एंड डेल्टा एन बाय एन रिमेंस अनचेंज्ड. ओके, इफ बोथ द कॉन्वेक्स सर्फेस आर रिप्लेस्ड बाय द कॉनकेव सर्फेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये देखना पड़ेगा हमें, मतलब अगर आपने कॉन्वेक्स की बजाय कॉनकेव ले लिया, सॉरी हाँ कॉनकेव अगर अपन यूज करें और सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रिलेशन जो है डेल्टा एफ और डेल्टा एन बाय एन में वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला. ये देखते हैं, For n equals to 1.5, delta n equals to 10 to the power minus 3 and f equals to 20 centimeter, the value of delta f will be 0.02 centimeter, round off to second decimal place. ये भी देखना पड़ेगा. Delta n by n is less than 0, then delta f by f is greater than 0. Fourth option भी इसी type का ही है. तो greater than 0, less than 0 की terms में हमें इसको solve करना पड़ेगा. तो चलिए, अगर ये n1 की value n है और n2 की value n plus delta n है, उस केस में सबसे पहले चेक करते हैं, थोड़ा सा time consuming है ये. फोकल लेंथ हमें यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर हालत में, ठीक है. तो देखो, दो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएंगे, तो इफेक्टिव जो फोकल लेंथ है वो वन इज एफ प्लस डेल्टा एफ, राइट. तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ इज वन अपॉन में एफ प्लस डेल्टा एफ, विच इज वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, राइट. वन अपॉन एफ वन की बात करें तो पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ होगी, जो कि किसके बराबर होगी, एन वन, एन की वैल्यू, एन वन की वैल्यू एन रखी है, एन माइनस वन, राइट, वन अपॉन आर वन, एंड आर वन इज आर, सही हो गया. नेक्स्ट चले प्लस वन अपॉन एफ टू, एफ टू की वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा, एन प्लस डेल्टा एन माइनस वन इंटू में वन अपॉन आर टू, विच इज ऑल्सो आर. ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहां पर, ठीक है. तो इसमें अगर अपन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो वन अपॉन एफ प्लस डेल्टा एफ इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पर चलें ताकि थोड़ा विजिबल हो सके, यहां पर ये आर आ गया, यहां एन माइनस वन प्लस एन प्लस डेल्टा एन माइनस वन, ये भी ठीक है. तो यहां से अगर हम देखें, इस पार्ट को, तो देखिए एफ प्लस डेल्टा एफ की वैल्यू यहां पे कितनी आई, ये आ जाएगा हमारे पास आर अपॉन ये टू एन, टू एन आ चुका है, माइनस का टू भी आ चुका है, प्लस का डेल्टा एन आ चुका है, ये एफ प्लस डेल्टा एफ की वैल्यू आई. और यहां से एफ की बात करें तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर अपॉन में टू एन माइनस वन, है ना, ये प्लस में डेल्टा एफ, प्लस में डेल्टा एफ और बराबर आर अपॉन में टू एन माइनस टू प्लस डेल्टा एन. और डेल्टा एन की जो वैल्यू है वो काफी स्मॉल है, ये हमने ऑप्शन में देखा था, यहां पर डेल्टा एन इज वेरी वेरी लेस देन एन माइनस वन. तो अप्रोक्सीमेशन यहां पे लिया जा सकता है, समझ हमारी बात, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अपन काम करें तो शायद जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. चलो देखते हैं, और यहां पर ये 2n माइनस वन है, प्लस में डेल्टा n है, ठीक है. ये वैल्यू हमारे पास यहां पर आ चुकी है. अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 2r अपॉन में 2n माइनस वन, प्लस में ये डेल्टा f है, राइट. और यहां से क्या करता हूं मैं, 2n माइनस वन को कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस डेल्टा एन अपॉन में 2n माइनस 1, ये पावर आ जाएगा यहां पर 1, करेक्ट. इसको ऊपर लेके चलते हैं अपन, तो पावर हो जाएगा माइनस 1, वहां से देखें अपन, तो r अपॉन में 2n माइनस 1 प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू,
ये आ जाएगा आर अपॉन टू एन माइनस वन, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस वन तो आगे माइनस में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया वन माइनस डेल्टा एन अपॉन में टू एन माइनस वन। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने लगा दिया यहां पर, बाकी आर अपॉन में टू एन माइनस वन वन और ये से कट जाएगा, तो डेल्टा एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखिए, यह आ जाएगा माइनस और आर डेल्टा एन अपॉन में टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर करेक्ट। यहां से अपन कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डेल्टा एफ बाय एफ की बात करें अगर अपन, एफ तो है हमारे पास यहां पर, ठीक है एफ तो है हमारे पास यहां पर माइनस, और यहां पर अगर हम देखें तो एफ को अगर मैं डिवाइड कर दूं यहां पर राइट, या एफ को वन अपॉन एफ वाले पार्ट को यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया है एक तरीके से देखा जाए तो माइनस आर डेल्टा एन अपॉन में ये टू एन माइनस वन है, चलिए इसको रख देते हैं पहले, ठीक है एफ की वैल्यू को हमने क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है तो यह आ जाएगा आर अपॉन में टू एन माइनस वन, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, टू एन माइनस वन से टू एन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहां से वैल्यू कितनी, डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन अपॉन में टू एन माइनस वन आ गया, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है यहां तक ये वैल्यू आ गई है। अब ये चेक करना है हमें कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। द रिलेशन बिटवीन, अच्छा इसको बाद में देखते हैं एक बार, ये कह रहा है कि फॉर एन इक्वल टू 1.5 डेल्टा एन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है एंड एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर राइट, डेल्टा एफ की वैल्यू 0.02 के बराबर है, ये चेक करते हैं अगर ये सही हुआ तो आगे काम करेंगे। देखिए डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, डेल्टा एफ यहां से कितना आ जाएगा, तो एफ टाइम्स एफ की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है 20 इंटू डेल्टा एन की वैल्यू यहां पे कितनी है 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है ये भी सही है ओके कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 2 इंटू एन की वैल्यू 1.5 माइनस 1.5 बोले तो 1/2 टू से टू कट गया, तो ये वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये सेंटीमीटर में है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो जीरो तो वैसे ही हट गया, तो 2/100 मतलब कितना आएगा 0.02 आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। फोर्थ थर्ड कह रहा है इफ डेल्टा एन बाय एन इज लेस देन 0 देन डेल्टा एफ बाय एफ इज ग्रेटर देन 0, ये चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है तो एन की वैल्यू को हमें यहां पर सेटल डाउन करना है, हियर एन इज ग्रेटर देन 1 राइट, ग्रेटर देन 1 एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है एन एन वाली वैल्यू यहां पर मैं इसको रब कर दूं, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, ये तो कंफर्म है ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, गौर से देखते रहना आप, एन ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, और ये कह रहा है डेल्टा एन बाय एन अगर नेगेटिव है इसका मतलब डेल्टा एन इज लेस देन 0, तो डेल्टा एन जो है यहां पर वो नेगेटिव है, और डेल्टा एन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उस केस में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा एफ बाय एफ जो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है थर्ड भी करेक्ट है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि मॉड्यूलस जो है इसमें क्या फर्क आएगा, मॉड्यूलस की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है तो ये हमें यहां पर देखना है, फोर्थ को यहां पर मैच करें अगर अपन, तो यहां ये डेल्टा एन बाय एन है जी, तो एक सिंपल सी चीज है एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन 2 से और 1 के बीच में ये लाई करेगी वैल्यू, ठीक है 2 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो यहां पर ये जो भी क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन 2 से है यहां पर राइट, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पार्ट, तो एन माइनस वन की वैल्यू अगर मैं 1.5 भी रख दूं, एक सैंपल लें, एग्जांपल लें, इसको चेक करना ही चाहते हैं अपन, तो एन की वैल्यू अगर 1.5 रख दें अपन, तो 1.5 माइनस 1 कितना आएगा 0.5, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो
तो हमारे पास वैल्यू आई वन, ये वन आया, डेल्टा एन बाय वन आया, सही है, डेल्टा एफ बाय की वैल्यू मोड में बात करें तो। और अगर एन की वैल्यू यहां रख दूं मैं डायरेक्ट, मतलब अगर ये एन होता सिंपली तो कितना होता, एन की वैल्यू सिंपली मैंने 1.5 रखी होती तो 1.5 इसका मतलब इससे वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल आ रही है ना, स्मॉल आ रही है वैल्यू। तो इसका मतलब डेल्टा एफ बाय एफ की वैल्यू डेल्टा एन बाय एन से ग्रेटर है, ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट कह रहा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाय एफ एंड डेल्टा एन बाय एन रिमेंस अनचेंज्ड इफ बोथ द कॉन्वेक्स सर्फेस आर रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव सर्फेस। क्या ऐसा होगा अगर मैं दोनों सर्फेस को, अगर जो सर्फेस को कॉनकेव बना दूं, कॉनकेव बना दूं, तो क्या लगता है यहां पर वैल्यू में बस माइनस का फर्क आएगा या माइनस का 2 आएगा, कंफर्म है? और जो आप इस रिजल्ट तक यहां पर पहुंचे, यहां तक, यहां पे अगर बात करूं यहां पर भी ये माइनस का आएगा, आर माइनस का आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आर को कंसीडर कर सकते हो, मतलब यहां पर जहां पर यहां पे आर है तो ये भी नेगेटिव का आर है, यहां पर भी ये नेगेटिव का आर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहां पर ये नेगेटिव का आर आएगा, यहां पर भी ये नेगेटिव का आर आएगा, ये भी नेगेटिव का आर, ये भी नेगेटिव का आर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है देखो। और उसके बाद में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे यहां तक पहुंच गए और आर में कोई लास्ट में कोई आर आया ही नहीं, देखो आर सब कुछ रिप्लेस हो गया, हट गया वहां से, इसका मतलब सेम रिलेशन आया है, डेल्टा एन बाय एन और डेल्टा एफ बाय एफ में जो रिलेशन आएगा, एन यहां से कॉमन ले लो तो उनमें रिलेशन सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हमने सारे पॉइंट्स को अच्छे से यहां पर गौर से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ डब्ल्यू इज मेड ऑफ टू डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन वन इक्वल टू 1.5 एंड टू इक्वल टू 1.44 एज शोन इन फिगर। इफ कैपिटल एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डब्ल्यू, ए रे एंटरिंग फ्रॉम एंड ए बी विल एमर्ज फ्रॉम एंड सी डी ओनली इफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन इज मेट इन साइड द स्ट्रक्चर। फॉर एल इक्वल टू 9.6 मीटर इफ द इंसिडेंट एंगल थीटा इज वेरिड द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय ए रे एग्जिट द प्लेन सी डी इज। लाइट रे का यहां पर टी आई आर हो रहा है और लाइट रे को सी डी से एग्जिट होने में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, ये हमें जवाब देना है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहां पर अगर मैक्सिमम की बात हो रही है, इसका मतलब अगर लाइट रे इस अंदर वाले मीडिया के अंदर अगर इस वे से अगर ट्रैवल करेगी तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, और अगर इस वे से ट्रैवल करेगी तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा। हमें पता है कि इस एंगल पे ज्यादा, मतलब एक लिमिट तक ये इंक्लाइंड हो सकती है और वो क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा, उस एंगल पर अगर लाइट रे जाएगी तो टी आई आर होता रहेगा, और उसे ज्यादा एंगल पे भेजोगे तो टी आई आर ऑब्वियसली होगा लेकिन लाइट रे को पास होने में कम टाइम लगेगा। तो हमें ज्यादा टाइम लगाना है, तो ज्यादा टाइम लगाना है तो हमें ये वाला एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल, उसी केस में टाइम ज्यादा लग सकता है। इसका मतलब ये वाला एंगल ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, और ये एन वन है और ये एन टू है। क्रिटिकल एंगल में हमें पता है एग्जैक्ट अगर बराबर रखेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां से अगर हम देखें तो आप ले सकते हो एन वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन टू साइन 90, और यहां से साइन थीटा सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन टू बाय एन वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइट रे जो ट्रेवल कर रही है यहां पर उसकी स्पीड इस मीडियम के अंदर हमें पता है सी बाय एन वन के बराबर होगी, क्योंकि वैक्यूम में सी है तो इसमें सी बाय एन वन होगी, ये स्पीड होगी इस तरफ, ये स्पीड मैं लिख देता हूं सी बाय एन वन वी। अब लाइट रे का जब ट्रेवल करेगी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस एल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वी का ये वाला कंपोनेंट हमारे लिए काम का है, और ये थीटा सी है तो ये वाला भी थीटा सी आ जाएगा, तो वी का ये वाला कंपोनेंट तो वी कॉस थीटा सी और ये वाला वी साइन थीटा सी, इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट जो इसको लेके जाएगा आगे की तरफ, वी साइन थीटा सी। तो मतलब वी साइन थीटा सी की बात करें, इस तरफ मैं मल्टीप्लाई में साइन थीटा सी लगा दूं तो ये वी पैरेलल वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो वी पैरेलल जो है हमारे पास आ चुका है सी बाय एन वन, और यहां पर साइन थीटा सी की वैल्यू जो है हमारे पास है एन टू बाय एन वन, ये वाली वैल्यू रख दें, ये लो स्पीड आ गई। अब पूछा है कि टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल एल है, ये वैल्यू अपन रख देंगे यहां पर, देखिए सो द टाइम, टोटल टाइम हमें गिवन है वैसे क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है यहां पर है, देखिए टी इंटू 10^-9 सेकेंड, तो जो टाइम है वो है टी इंटू 10^-9 सेकेंड एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज कैपिटल एल एंड कैपिटल एल इज इक्वल टू 9.6, तो 9.6 अपॉन
स्पीड, स्पीड है सी एन टू अपन में एन वन, एन वन स्क्वेयर हो जाएगा, सी सी है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, एन टू, एन टू की वैल्यू हमें गिवन है 1.44 और एन वन स्क्वेयर, एन वन की वैल्यू हमारे पास 1.5 राइट, तो 1.5 × 1.5 ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस टी की वैल्यू जो 50 के अराउंड आ जाएगी, 50 के बराबर आ जाएगी ठीक है। बाकी इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, इन वाईडीएससी स्लिट सेपरेशन आपको स्मॉल डी गिवन है 0.3 mm है ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर गिवन आपको, ये कैपिटल डी है। तो ये दोनों वेव्स यूं आ रही हैं, ये दोनों स्लिट्स हैं, पी पॉइंट पर यहां पर कुछ इंटरफेरेंस हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों वेव्स के बीच में, तो सबसे पहले जो इंसिडेंट वेव है ना स्लिट से पहले वाली, इनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस के लिए आपको ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, अल्फा यहां से एंगल है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी डी साइन अल्फा, और ये वाले जो पॉइंट पी है इसकी एंगुलर पोजीशन अगर मैं थीटा कंसीडर कर लूं तो यहां से इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस वो आ जाएगा डी साइन थीटा। तो ओवरऑल जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा आ जाएगा ठीक है। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू डी को कॉमन ले लेता हूं मैं ब्रैकेट में, साइन अल्फा प्लस साइन थीटा ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ये कह रहा है कि फॉर अल्फा 0.36 बाय पाई डिग्री देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसको चेक करना हमें। तो ये जो एंगल अल्फा ये काफी स्मॉल है, देखो 0.36 बाय पाई डिग्री में है, ये काफी स्मॉल है, तो साइन अल्फा अल्फा हो जाएगा, और जो थीटा है वो भी काफी स्मॉल है क्योंकि 11 mm है और ये 1 मीटर है, तो थीटा भी काफी स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, यहां अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं डेल्टा आर को सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, डी ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा हो गया। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं अपन, देखो तो डेल्टा आर इक्वल टू डी की वैल्यू 0.3 mm है, तो 0.3 × 10⁻³। अब अल्फा रेडियन में है, ध्यान रखना ये डिग्री में दे रखा अपन को, तो 0.36 बाय पाई इंटू पाई बाय 180, पाई से पाई कट जाएगा, तो 0.36 बाय 180 0.002 होता है, प्लस थीटा जो है वो आ जाएगा 11 बाय डी, ये एमएम में है तो 11 बाय 1000 मतलब 0.011 ठीक है। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.0 then 1 then 3, तो 0.013 आ गया। इसको 0.3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0039 × 10⁻³। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब पी पॉइंट पे देखना है कि ये कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको चेक करना है अपन को, तो इसको चेक करते हैं हम। देखो तो मैं क्या करता हूं, लैम्डा का डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर देता हूं लैम्डा को, और ऑर्डर का पता लग जाएगा उसमें। तो हमारे पास 0.0039 × 10⁻³ है और लैम्डा जो है 600 nm है, तो 6 × 10⁻⁷ आ गया, ये -7 को ऊपर लेके जाओ तो ये 10⁻⁴ आ गया, प्लस का 4 अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे पॉइंट हट जाएंगे, 39/6 आ गया। 39/6 अगर हम बात करें डिवाइड करें तो 6 × 6 = 36 एंड देन 3 = 6.5, तो ये 6.5 आ रहा है। तो इसके इसका मतलब तो ये पता लग ही गया ना, मैं ऑर्डर क्या है इसका, मतलब ये कंफर्म है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पी पर होगा। अगर ये 6 आता तो इंटर कंस्ट्रक्टिव होता, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है। सेकंड देखिए, फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0, अगर अल्फा को 0 कर दें देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। अगर अल्फा को अगर हम 0 कर दें तो पी पॉइंट पर ये कह रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये चेक करना पड़ेगा। अल्फा 0 मतलब ये वाला 0 हो गया, तो डी को केवल थीटा से मल्टीप्लाई करना है अपन को। थीटा कितना है 0.00 0.011, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा इसको मैं मिटा दूं यहां पर, देखो तो डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो वैल्यू आ जाएगी 0.3 × 0.011 राइट × 10⁻³, और इसकी वैल्यू देखें अपन तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0033 × 10⁻³ एंड देन वही सेम अगेन सेम 6 × 10⁴ बचेगा। लैम्डा से मैंने अगेन डिवाइड कर दिया यहां पर, ये सारे पॉइंट हट जाएंगे, 6 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आया, देखो है ना, 6×5 = 30 एंड 5.5 आ जाएगा। 5.5 का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगेन, तो फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड इसका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव का बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्फा बराबर इतने पर देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर पूछा है, पॉइंट ओ पर जब पूछेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसका मतलब केवल हमें ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट हटा देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 इंटू 0.002 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0006 आ जाएगा, सही है, इंटू 10 to the power वही सेम -3 वही 6 नैनोमीटर से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, ये 4 तो 6/6 मतलब 1 आ गया। तो 1 का मतलब ये हुआ ओ पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन क्या बोल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ कह रहा फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा, क्या फ्रिंज के बीच में जो गैप है वो अल्फा पे डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा, अगर अल्फा अगर आप चेंज करोगे देखो शिफ्टिंग होगी इस केस में, फ्रिंज विड्थ जो है फ्रिंज विड्थ की वैल्यू वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि जो हमने रिलेशन लिखा है डेल्टा आर बराबर डी साइन अल्फा प्लस साइन थीटा, अगर इसको अपन बेटा प्रॉपरली सॉल्व करें यहां पर, जैसे मैं ये कहूं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें तो ये एन लैम्डा लिख दूंगा, ये डी आ जाएगा, ये साइन अल्फा और ये साइन थीटा को मैं वाई बाय कैपिटल डी लिख सकता हूं इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहां से देखिए ये एन लैम्डा बाय स्मॉल डी आ चुका है और इधर आ चुका है साइन अल्फा प्लस वाई बाय कैपिटल डी, तो यहां से वाई की जो वैल्यू है वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वाई बराबर आ गया हमारे पास एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, देखिए ठीक है, और यहां पर माइनस में आ जाएगा डी इंटू में साइन अल्फा, ठीक है डी इंटू में साइन अल्फा, डी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डी इंटू में साइन अल्फा आ गया। तो इस रिलेशन को अगर आप गौर से देखो तो ये पार्ट अगर मान लीजिए अल्फा आपने फिक्स किया तो देखो एन बराबर 1, 2, 3, 4 रखोगे तो ये साथ में एक्स्ट्रा पार्ट चल रहा है माइनस में चल रहा है, और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन या डार्क फ्रिंज की लोकेशन या विड्थ फाइंड करनी, सॉरी विड्थ अगर फाइंड करनी है तो ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद कट जाएगा, तो केवल इसी पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब अल्फा पर वो डिपेंड नहीं करेगा, जो गैप है ना वो गैप चेंज नहीं होगा, मतलब फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस फ्रिंज जो है शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। थ्री ग्लासेस सिलेंडर्स ऑफ इक्वल हाइट कैपिटल एच इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द फिगर, सिलेंडर 1 हैज अ फ्लैट टॉप, सिलेंडर 2 हैज अ कॉन्वेक्स टॉप एंड सिलेंडर 3 हैज अ कॉनकेव टॉप, द रेडाइव कर्वेचर ऑफ द टू कर्व्स टॉप्स आर मतलब सेम, मतलब इन दोनों का आर सेम है जिसकी वैल्यू 3 मीटर गिवन है अपनको, इफ h1 s2 एंड s3 आर अपेरेंट डेप्थ ऑफ द पॉइंट x ऑन द बॉटम ओके ऑफ द थ्री सिलेंडर्स रेस्पेक्टिवली द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 गिवन है, जैसे ये h हाइट है, h की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर 30 सेंटीमीटर है, तो इसमें अगर मैं अपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट करूं तो बहुत ही सिंपल है, h बाय म्यू हो जाएगा इसमें अपेरेंट डेप्थ, h की वैल्यू हमें कितनी देर की 30 और म्यू की वैल्यू जो है वो 3/2 है क्योंकि 1.5 3/2 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 20 सेंटीमीटर। सो h1 फर्स्ट वाले केस में 20 सेंटीमीटर है, सेकंड वाले केस की बात करें अगर हम ठीक है तो लाइट रे यूं जाएगी, ये स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्शन होगा, इससे जो इमेज बनेगी ठीक है उस इमेज की इस सरफेस से जो डिस्टेंस है वही अपेरेंट डेप्थ होगी। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो इक्वेशन क्या लगेगी, μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, μ2 मतलब जिसमें लाइट रे जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1/v - μ2 - μ1 मतलब जिसे लाइट रे आ रही है जो कि 1.5 है 3/2 है बाय u विच इज माइनस एच मतलब एच की वैल्यू 30 गिवन है तो 30 रख देंगे, ये माइनस का 30 आ गया यहां पर, बराबर μ2 - μ1, μ2 इज 1 एंड μ1 इज 3/2 तो 1 - 3/2 अपॉन आर, आर की बात करें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सेंटर इधर जाएगा तो आर इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो माइनस का आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू जो कि 3 मीटर है तो सेंटीमीटर में लिखें तो 300 आ जाएगा, तो माइनस का 300 आ गया यहां पर, ये प्लस हो चुका है। अब यहां पर अगर हम देखें तो 1/v इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 - 3/2 मतलब 1/2 वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 मतलब ये 600 आ गया यहां पर, और ये माइनस का 3/330 मतलब सीधी सी बात है ये वैल्यू आ जाएगी 1/20 ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आने वाली है, वैसे भी नेगेटिव मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट मतलब नीचे की तरफ इमेज बनेगी, तो माइनस में ऑलरेडी कॉमन ले लेता हूं यहां पर 1/20 - 1/600 माइनस मतलब अपेरेंट डेप्थ राइट, तो माइनस को आप यहां से रिमूव कर सकते हो ताकि ये मतलब नीचे की तरफ इमेज को बताएगा, तो 1/20 - 1/600 1/20 में से 1/600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, क्वांटिटी अगर और छोटी हो जाएगी तो वी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, वी इसका रेसिप्रोकल है, वी इसका रेसिप्रोकल है, तो वी इसका रेसिप्रोकल मतलब वैल्यू जो है जो डेप्थ है
वो 20 से भी क्या हो जाएगी या इस केस में ज्यादा हो जाएगी, समझ आ रही बात, 20 से भी ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये अगर 20 है फर्स्ट वाले केस में तो ये 20 से ग्रेटर है, ये कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में देखो सरफेस कॉन्वेक्स कॉनकेव है, कॉनकेव सरफेस होगी तो फर्क क्या आएगा, यहां पे प्लस का 300 आएगा। अब प्लस का 300 आएगा तो दोनों नेगेटिव होंगे, ये दोनों नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव, तो ये माइनस 12 आएगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये भी क्वांटिटी छोटी, ये भी क्वांटिटी, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर इसको रेसिप्रोकल उसका उल्टा करोगे तो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब एस थ्री है वो एच वन से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, एस थ्री जो है ये वाला जो केस है, फर्स्ट वाला जो केस है, ठीक है, थर्ड वाले केस के अंदर बात करें अगर हम, एस थ्री जो है वो एच वन से भी छोटा हो जाएगा, और यहां पर अगर हम बात करें तो एच टू की बात करें तो एच टू एस थ्री से ग्रेटर है। ठीक है, एस टू एस थ्री से ग्रेटर है, और एच टू जो है ये वाला एच टू एच वन से भी ग्रेटर है, तो इसमें सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बेटा इसमें मैच नहीं करेगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लाइट दे रखी है आपको, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री दे रखा है, ये एन नॉट रूट थ्री दे रखा है। अब ये कह रहे हैं थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री के इक्वल हो तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, इसकी लैंग्वेज को अगर आप रीड करो तो ये यहां से पता लग जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि लाइट रे यहां से अगर 60 डिग्री एंगल पे निकले तो यहां से लाइट रे जब बाहर आएगी तो ये आर वन एंगल कितना आएगा, अगर मैं 60 अगर कंसीडर करूं, क्रिटिकल वैल्यू अगर कंसीडर करूं यहां पे, तो कितना आएगा, स्नेल्स लॉ लगाऊं तो बाहर एयर है तो 1 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू एन नॉट मतलब रूट 3 इंटू साइन आर वन, यहां से आर वन की वैल्यू ये रूट थ्री कट जाएगा तो आर वन की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, साइन आर वन 1 बाई 2 मतलब 30 डिग्री, ये 30 आ गया, ये 75 है तो इसका मतलब आर टू जो है वो ए माइनस आर वन होता है, आर वन 30 है तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी 45 डिग्री। ठीक है, 75 माइनस 30 मतलब 45। अब यहां पर आपको क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन लगानी है, 45 क्रिटिकल एंगल है, तो अगेन वही सेम चीज, एन नॉट मतलब रूट 3 इंटू साइन 45 मतलब 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू, यहां पे ग्रेजिंग इमरजेंस है, यहां पे एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन इंटू साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा, तो एन बराबर रूट 3 बाय रूट 2 आया और एन स्क्वायर करेंगे तो 3 बाय 2 मतलब 1.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। ये लाइन यहां पर गलत छपी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पैरेलल बीम जा रही है, देखिए एक ग्लास ट्रांसपेरेंट स्लैब है और इससे बाहर आने के बाद जो वेव फ्रंट है उसकी शेप कैसी होगी वो हमें देखनी है। देखो ये तो पैरेलल है, सीधा फ्रंट, नॉर्मल इंसिडेंस है तो लाइट रे सीधी जाएगी, लेकिन जैसे ही यहां पर आएगी तो ध्यान से देखना, ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो लाइट रेज को ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा तो लाइट रेज यूं बैंड हो जाएंगी, देखिए वापस रेड से शो करूं तो ये यूं बैंड हो जाएंगी, ये सीधी जाएगी यहां से, ये यूं बैंड हो जाएंगी ऐसे, सिमिलरली यहां से देखें तो यूं गई और एक यूं जाएगी तो वो इस तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, ये कॉनकेव है ये डाइवर्ज हो जाएगी, यहां पर सीधी यहां पर कन्वर्ज होगी ऐसे सेम इस टाइप से। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग आपको वेव फ्रंट बनाना है, और हम अच्छे से जानते हैं वेव फ्रंट हमेशा जो लाइट रे उसके परपेंडिकुलरली बनता है, तो इन लाइट रे के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट कैसा बनना चाहिए ऐसा ना, और इनके अकॉर्डिंग वेव फ्रंट ऐसा बनना चाहिए। भाई अगर लाइट रेज ऐसे आपको दे रखी है यूं इस टाइप से तो वेव फ्रंट ऐसा ही बनेगा, और अगर लाइट रे यूं डाइवर्ज हो रही है कुछ यूं हो रही है देखिए, ठीक है ऐसे हो रही है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा ऐसा बनेगा। इसका मतलब यहां के लिए वेव फ्रंट ऐसा बनना चाहिए, यहां के लिए वेव फ्रंट ऐसा, और देन फिर सेम रिपीट हो रहा है तो वापस ऐसा बनेगा, तो यूं होकर के फिर यूं होकर के फिर यूं बनेगा, तो कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। और अगर आप ऑप्शन में देखो तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसके साथ पूरी तरह से मैच कर रहा है, तो 16th का फर्स्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 17, ए लार्ज स्क्वायर कंटेनर विद थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स एंड फिल्ड विद वॉटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज कैप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ए स्टूडेंट होल्ड्स ए थिन स्ट्रेट वायर वर्टिकली इनसाइड द वॉटर 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स एज शोन सिमेट्रिकली इन द फिगर, लुकिंग एट द वायर फ्रॉम दिस कॉर्नर अनदर स्टूडेंट सीज टू इमेजेस ऑफ द वायर लोकेटेड सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड ऑफ द लाइन ऑफ साइट एज शोन, द सेपरेशन सेंटीमीटर बिटवीन दीज इमेजेस इज। ये सामने क्यूब रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, यहां पे ये वायर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इस कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस
12 सेंटीमीटर है और ये लाइन ऑफ साइट है, यहां से ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। तो हमसे पूछा था कि इसकी जो इमेजेस फॉर्म होंगी उन इमेजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। हालांकि जेई ने इसको बोनस दिया था, ठीक है, सबको मार्क्स इसमें इक्वली अलॉट हुए थे, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। बाकी इसकी कंडीशंस कई सारी बन सकती हैं, मैं यहां पर दो कंडीशन केवल लूंगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जहां तक ये डायग्राम है, उस डायग्राम की बिहाफ से हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो है क्यूब से डिस्टेंस पर है, काफी डिस्टेंस पर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनेगी उन इमेजेस के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए वो हम यहां पर अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। ये 12 सेंटीमीटर है, म्यू की वैल्यू 4/3 है। ओके चलें आगे पेज पे चलते हैं। देखिए ये क्यूब है, ठीक है, और यहां पर सामने ऑब्जर्वर है। तो यहां ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 45, ये वाला हाफ एंगल जो 45 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट 90 है ये। तो ऑब्जर्वर अगर काफी डिस्टेंस पर है, मतलब डायग्राम में अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो लाइट रेज जो इस क्यूब से इमिनेट होंगी, बाहर निकलेंगी, तो वो ऑब्वियसली पैरेलल जानी चाहिए फिर, ठीक है, पैरेलल जाएंगी। इसका मतलब जैसे इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे को मैं यहां से पास करवाऊं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे पैरेलल चली जाए, तो उस केस में जो भी इमेज फॉर्म होगी इस आई को ऐसा ही फील होगा जो इमेज है वो इसी लाइन ऑफ साइट के लॉन्ग होगा, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग होगा, करेक्ट। जो इमेज फॉर्म होगी ना वो इसी लाइन पे हमें नजर आएगी। सेम नीचे भी इसी पैटर्न से मैं लाइट ड्रॉ कर सकता हूं, तो जो इमेज फॉर्म होने वाली है ना वो इसी लाइन पे होगी। ऐसे सिमिलरली नीचे भी ड्रॉ करेंगे वो भी इसी लाइन पे होगी, यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो, ठीक है, चलो उसको ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो वो इमेज भी इस लाइन पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमें तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो एक्चुअल में देखा जाए हमें इन दोनों लाइंस के बीच का गैप फाइंड आउट करना है यहां पे, ठीक है, वो गैप कितना होना चाहिए, उस गैप को हमें देखना है, ठीक है। तो उस गैप को देखने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करें यहां पर नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये वाला एंगल 45 है, तो एग्जैक्टली ये वाला एंगल भी 45 होगा और ये वाला एंगल भी यहां पर 45 आ जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा यहां पर, इस एंगल को मैंने थीटा अज्यूम कर लिया। तो अगर ये थीटा है तो यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन फाइंड थीटा, राइट। सो यर म्यू इक्वल्स टू 4/3, तो स्नेल्स लॉ अगर आप लगाओगे तो 4/3 साइन थीटा इज इक्वल टू, बाहर का जो मीडियम है वो एयर है, 1 into sin 45, मतलब 1/√2। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4√2, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहां पर, करेक्ट। ओके हमें इन दोनों लाइन के बीच का गैप फाइंड आउट करना है यहां पर। ओके तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये लेंथ ही हमें फाइंड आउट करनी है, और इसका ट्वाइस कर देंगे हम तो ये पूरी कंप्लीट जो लेंथ है इन दोनों लाइन के बीच की वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, इस ट्रायंगल का ये वाला लेंथ मैंने एक्स लेट कर ली जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, और ये जो ऑब्जेक्ट से जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है इसकी डिस्टेंस मैंने डी कंसीडर कर ली, ठीक है। और ये वाला एंगल 45 होना चाहिए यहां पर, ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि ये 45, ये भी 45 आएगा, तो ये भी 45 होना चाहिए, नॉर्मल है ये 45 आ जाएगा। तो यहां से ये क्लियरली नजर आ रहा है, फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन से एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा प्लस 45। तो जो एक्स है वो आपके पास आ गया डी कॉस थीटा प्लस 45, और दोनों जो इमेजेस बनेंगी वो इन्हीं लाइंस के बीच में बनेंगी, मतलब इन्हीं लाइंस पे बनेंगी। तो जो डिस्टेंस है दोनों इमेज के बीच की, सपोज एक इमेज I1 है दूसरी इमेज I2 है, वी कैन से I1 I2 इज इक्वल टू
2 times of x which is 2d cos theta plus 45. अच्छा cos theta plus 45 theta की value अपन find out कर सकते हैं, sin theta की value है आपके पास, लेकिन d नहीं मालूम हमें। अब d को calculate करने के लिए काम करते हैं, इस line को मैं यहां से मिला देता हूं, ये angle 90 आ गया। अब ये वाली length आपके पास 12 centimeter है और ये वाला angle 45 है, इसका मतलब 12 sin 45 मतलब ये वाली length आ जाएगी अपने पास। So this length is 12 by root 2, 12 sin 45, 12 by root 2, ठीक है। तो ये 12 by root 2 आपके पास है और ये दोनों लाइन यहां पे पैरेलल है, देखो ये नॉर्मल है दोनों, तो इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा के एग्जैक्टली बराबर होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे। सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन से डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 बाय रूट टू, ठीक है। तो यहां से आप डी की वैल्यू यहां रख सकते हो, तो आई वन आई टू जो है आपके पास आ चुका है 2, डी की वैल्यू आ जाएगी 12 बाय रूट टू बाय कॉस थीटा, ठीक है, 12 बाय रूट टू कॉस थीटा, ये डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और यहां से कॉस थीटा को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं कॉस थीटा प्लस 45 को, तो कॉस थीटा प्लस 45 मतलब कॉस थीटा कॉस 45 माइनस साइन थीटा साइन 45, सो कॉस थीटा कॉस 45 मतलब 1 बाय रूट टू और आ गया, इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन थीटा साइन 45 वो 1 बाय रूट टू में बाहर ले आया हूं पहले से, तो ये रूट टू यहां से देखा जाए 2 हो जाएगा, जो कि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 बाय कॉस थीटा आ गई है। कॉस थीटा से फर्दर आप डिवाइड कर दोगे तो यहां से I1 into I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 12 ब्रैकेट cos theta by cos theta 1 1 माइनस sin theta by cos theta 10 theta, ये डिस्टेंस आ गई। सो द डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस इज 12 ब्रैकेट 1 माइनस 10 theta, सो 10 theta क्या आएगा, sin theta की वैल्यू 3 by 4 root 2 है, 10 theta की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें यहां से, सो 10 theta देखो sin theta मतलब perpendicular by hypotenuse 3 by 4 root 2, तो बेस कितना आएगा 16 into 32 माइनस 9 तो ये 23 आ जाएगा, ठीक है, रूट 23 है ना, तो इसको चेक कर सकते हैं 23 प्लस 9 तो ये 32 आएगा। तो यहां से 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 थीटा आ जाएगा 3 बाय रूट 3, तो ये वाली वैल्यू आप यहां रख सकते हो, तो I1 बाय I2 की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आई, I1 into I2 की वैल्यू है 12 ब्रैकेट 1 माइनस 3 बाय रूट 3 रूट 23, ये ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू आएगी। और इसको अगर आप रफली कैलकुलेट करो तो रफली कैलकुलेट करने से इसकी वैल्यू आती है 4.5 के अराउंड सेंटीमीटर, तो दोनों जो इमेजेस हैं इनकी बीच का जो गैप है वो 4.5 सेंटीमीटर के अराउंड है, लगभग इतना है। ये कब होगा, जब ऑब्जर्वर काफी डिस्टेंस पर है, तो क्यूब यहां पे रखा है, ऑब्जर्वर अगर डिस्टेंस पे रखा है, डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो उस केस में आंसर डेफिनेटली 4.5 के अराउंड ही आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये इंटीजर में था, ठीक है, परफेक्टली इंटीजर में था, तो इसमें यही डाउटफुल हो गया कि आंसर क्या दिया जाए, ठीक है। चलिए इसको एक और वे से सॉल्व किया जाए कि अगर वापस ड्रॉ करूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये 12 सेंटीमीटर है, अगर इसमें ये दिया जाता कि ऑब्जर्वर जो है उसकी आई जो है उसका फेस जो है थोड़ा बड़ा है, ये आप कह सकते हो, तो अगर वो नॉर्मली लाइट रे को अगर इंसिडेंस माने अपन, ठीक है, पैरेक्सियल का अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया जाए, तो ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां से भी देख रहा है और यहां से भी देख रहा है, तो उस केस में अपन एच बाई मी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और अगर आप यहां से देखो, इस तरफ से देखो, तो आपको ये एच बाई मी पे दिखेगा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर इज 12 सेंटीमीटर, देन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 12 बाई रूट 2, सिंस दिस एंगल इज 45 ना, सो दिस लेंथ इज 12 बाई रूट 2, तो यहां से ये h बाई म्यू पे नजर आएगा, h बाई म्यू मतलब ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, सो दिस लेंथ इज h बाई म्यू विच मीन्स 12 बाई रूट 2 बाई म्यू, म्यू इज 4 बाई 3, इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आई 9 बाई रूट 2, so that this length is 9 by root 2, then this length is 12 by root 2 minus 9 by root 2 which is 3 by root 2,
सो दिस गैप दिस शिफ्टिंग इज 3/√2। तो सेम पैटर्न से इस तरफ भी इमेज बन जाएगी, फिर तो सेम पैटर्न से इस तरफ भी इमेज बन जाएगी इधर से देखें तो। सो दिस लेंथ इज 3/√2, देन दिस परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ इमेज फ्रॉम दिस डैश लाइन इज 3/√2 साइन 45, अगेन बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो 45, 3/√2 साइन 45 मतलब 3/2, तो ये वाला लेंथ 3/2 के बराबर आ जाएगी, सेम ये वाला लेंथ भी 3/2 के बराबर आ जाएगी, देन I1 I2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 × 2 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो गैप है I1 I2 का वो 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ये एक दूसरा तरीका है। एक और वे है कि अगर I इस कॉर्नर के काफी नजदीक हो, यहीं पे ही हो, तो उस केस में मार्जिनल रे लेकर के हमें सॉल्व करना पड़ता है और उससे आंसर लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास वैल्यू आती है। तो इतना तो ये है कि डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो इमेज की जो लोकेशन है वो अलग अलग आती है। वैसे हिसाब से देखा जाए जो आई की जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि क्यूब से वो दूर है, और उस केस में जो लाइट रेज जो मैंने पैरेलल ली थी जस्ट इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी के हिसाब से ये होना चाहिए और आंसर इसका 4.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी इसके नजदीक लेके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर के अराउंड वैल्यू आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बीकर ऑफ रेडियस आर इज फिल्ड विद वॉटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू ए हाइट एच एज शोन इन द फिगर ऑन द लेफ्ट। द बीकर इज kept on a horizontal table rotating with angular speed omega. This makes the water surface curved so that the difference in the height of the water level at the center and the circumference of the beaker is small h. Small h is very very less than capital H, so approximation ले सकते हैं, आगे अपन देखेंगे। Small h is very very less than R, ये भी दे रखा है। As shown in the figure on the right, take this surface to be approximately spherical with a radius of curvature capital R. Which of the following is R correct? G is the acceleration due to gravity. Okay, ये हमारे सामने question है। तो सबसे पहले अच्छा R की वैल्यू दे रखी है, तो R को H और R के साथ हमें रिलेट करना है, तो ये जो सरफेस है उसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर सीधा फ्री हैंड से ड्रॉ कर देता हूं, ये कंटेनर है। जब आप इसको रोटेट करोगे इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ज्योमेट्री प्लस रे ऑप्टिक्स, मिला जुला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये पैराबोलिक, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो पैराबोलिक होता है, वैसे पैराबोलॉइड शेप में ये बनता है, और ये एच जो है वो काफी कम है, तो इसमें ये लिखा गया है कि जो एच है वो आर के कंपेरेटिवली काफी स्मॉल है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, ठीक है, इस टाइप से ये दे रखा है हमें, और ये जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैपिटल आर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको देखते हैं। चलो, तो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, ऑलमोस्ट इसको स्फेरिकल सरफेस माना जाए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा सरफेस, तो इसका मतलब इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, राइट। और यहां से अगर हम देखें तो ये रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, और ये स्मॉल एच है, दैट मीन्स दिस इज कैपिटल आर, देन दिस लेंथ इज आर माइनस स्मॉल एच, ये स्मॉल एच है ना, और ये स्मॉल आर है, इस बीकर का रेडियस है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एच का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करें, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एंड देन वी हैव कैपिटल आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2H, ये R की वैल्यू आई है। वैसे R जो है वो H जो है वो R के कंपेरेटिवली काफी स्मॉल है, तो इसको आप रफली ऐसा भी लिख सकते हो R स्क्वायर बाई 2H, ये भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर, देखते हैं ऑप्शन के अंदर कौन सा है। हाँ ये अच्छा डायरेक्टली दे रखा है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 2H, इसका मतलब ये वाला सही है। नेक्स्ट है 3R स्क्वायर बाई 2H, ये तो इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 2H इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका परफेक्टली करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर इज क्लोज टू, अब एपरेंट डेप्थ हमें निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकाल ही चुके हैं ऑलमोस्ट, एप्रोक्सीमेशन अपन ले सकते हैं, या तो ये ले लेंगे देख लेंगे, बाकी आई थिंक एप्रोक्सीमेशन लिया गया होगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड से आप इसको रोटेट कर रहे हो, राइट। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू
वापस देख लेते हैं, रिफ्रैक्टेड एक्स 4/3 ये वोटर है, कैपिटल एच डेप्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना है। चलिए जी, तो इसको मैं पहले रब कर देता हूं। चलिए, तो ये सरफेस है और कैपिटल एच डेप्थ है ऑलमोस्ट। ये बॉटम जो है इसका कितना एपरेंट डेप्थ नजर आएगा वो देखना है हमें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने आर यहां पे कंसीडर कर रखा है, ठीक है। तो लाइट रे जो भी जाएंगी यहां से, अगर आप गौर करो इस पर, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, रिफ्रैक्टेड एक्स इसका 4/3 है, बाहर का 1 है, तो लाइट जो जाएंगी उसकी इमेज कहां बनेगी, वो इमेज की लोकेशन हमें पता लगानी है। तो सिंगल स्फेरिकल सरफेस जो रिफ्रैक्शन होता है उसको फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाएं तो 1/v नहीं, μ2/v, राइट। तो इसको चलिए, तो μ2/v, μ2 मतलब जिसमें लाइट रे जा रही है जो कि 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का, बाय v, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि पता करना है, माइनस μ1/u, μ1 इज 4/3 बाय u, u इज माइनस एच, इंसिडेंट रे के अपोजिट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एच आ गया यहां पर, बराबर μ2 - μ1, μ2 है बार का 1, माइनस μ1 मतलब 4/3 बाय r। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, इसका सेंटर इधर की तरफ आएगा तो r उसी तरफ है, तो वो इंसिडेंट रे के अलोंग है, तो उसको मैं पॉजिटिव यहां पे कंसीडर करूंगा, तो प्लस का r ले लेंगे अपन। यहां पे ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अब, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, इसको उड़ा देता हूं मैं, ओके। तो 1/v इज इक्वल टू ये माइनस का 4/3h आ गया, ये भी देखा जाए तो ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस का 1/3 आ जाएगा यहां पर, माइनस का 1/3 कैपिटल आर, ठीक है। यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या रखें वो देखना पड़ेगा। माइनस को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 4/3h प्लस का 1/3r, तो नेगेटिव साइन अगर माइनस मैंने बाहर ले लिया इसका मतलब ये है कि जो इमेज बन रही है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट बन रही है, मतलब एपरेंट डेप्थ नजर आ रही है, और एपरेंट डेप्थ बेटा इसका अगर मैं रेसिप्रोकल उल्टा कर दूं तो हमारे पास एपरेंट डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं, और कैपिटल आर जो है इसको मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखने से पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चलो ऑप्शन में एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर इज क्लोज टू 3h/2 आ रहा है यहां पर, यहां पर 3h/4 आ रहा है, तो आई थिंक बाय 4 को कॉमन लिया जा सकता है, अगर हम देखें तो यहां पर शायद काम बन जाए। बाकी यहां पर पावर -1 है, ये w की जगह ओमेगा है, ओमेगा आ रहा है तो इसका मतलब ओमेगा का यूज हमें करना है यहां पर, ठीक है, तो ओमेगा को यूज करेंगे। चलिए देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यहां लगाएं हम, तो बहुत ही सिंपल सा है, जब आप इस बीकर को रोटेट करोगे, ठीक है, बीकर को जब अपन रोटेट करेंगे, करेक्ट, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो बीकर के जो लिक्विड है, लिक्विड सरफेस जो है पैराबोलॉइड शेप में बन जाता है। अगर मैं लिक्विड का कोई एक पार्टिकल अज्यूम कर लूं तो इस पार्टिकल पर लिक्विड सरफेस के कारण नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। और यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये टेंजेंट सपोज थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में एन के मैं दो कंपोनेंट यहां पर इंक्लूड कर सकता हूं, एक तो ऊपर की तरफ और एक टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि ये सर्कल में घूमेगा पार्टिकल ऐसे इस सर्कल में, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो मैं एक्स मान लेता हूं, और जो हाइट है वो वाई है, वाई हाइट है, ठीक है। ये ओरिजन हो गया, ये एक्स, ये वाई डायरेक्शन, तो ये थीटा, ये वाला थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा आ जाएगा, तो एन कोस थीटा अपवर्ड और एन साइन थीटा जो है टुवर्ड सेंटर है, सो एन कोस थीटा एमजी को बैलेंस करेगा यहां पर, और एन साइन थीटा जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है, विच इज एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स रेडियस होगी क्योंकि यू घूमेगा, यू रोटेट होगा, दोनों का डिवाइड कर दें, एन से एन कट जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी आ गया। टेन थीटा इज dy/dx, अगर मैं इस कर्व के लिए कोई फंक्शन कंसीडर करूं y बराबर fx, तो टेन थीटा डेफिनेटली dy/dx को शो करेगा, dy/dx, dx को उधर ले जाऊं तो ओमेगा स्क्वायर बाय g इंटू x dx, इसको इंटीग्रेट कर दें,
एक्स बराबर जीरो पे वाई बराबर जीरो है, तो एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर जीरो है, और एक्स बराबर एक्स पर वाई बराबर वाई मान लिया मैंने, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड देखा तो देखें तो डी वाई का वाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड देखो बेटा तो ओमेगा स्क्वायर बाई जी और एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें ये बहुत ही कॉमन सी इक्वेशन, बहुत सिंपल इक्वेशन है, जो जेई की तैयारी करते हैं वो अच्छे से जानते हैं इस पार्ट को, ये बहुत कोई हाईफाई चीज नहीं है। यहां से इस रेफरेंस लेवल से ये एच हाइट तक लिक्विड जो है वो राइज हुआ है, और ये वाली डिस्टेंस जो ये आर है, तो इसका मतलब मैं यहां वाई की जगह एच रख सकता हूं तो एक्स की जगह आर हो जाएगा। तो वाई की जगह अगर मैं एच रखूं तो एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ये आर स्क्वायर बाय टू जी आ जाएगा, और चूंकि मेरे पास कैपिटल आर यहां पर है, कैपिटल आर को मैं आर स्क्वायर बाय टू एच भी रख सकता हूं, कैपिटल आर की वैल्यू आर स्क्वायर बाय टू एच मैं यहां रखूंगा, और फिर देखते हैं कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो आर स्क्वायर बाय टू एच रखने वाला हूं मैं, आर स्क्वायर बाय टू एच, तो देखो एपरेंट ये माइनस में बाहर ले लेता हूं, फोर बाय थ्री एच प्लस वन अपॉन थ्री आर, इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर बाय टू एच, टू एच टू एच ये स्मॉल एच था, और यहां देखो जरा एच बाय आर स्क्वायर जो है, एच बाय आर स्क्वायर जो है वो ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी के बराबर आ जाएगा, तो ये वैल्यू मैं ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी के बराबर रख सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो इसको रखेंगे अपन, तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस फोर बाय थ्री एच प्लस टू बाय थ्री, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी, ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहां पर वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर बाय थ्री जी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन आ चुका है हमारे पास, अब हम रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं बस। चलिए तो यहां पर वन अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस फोर बाय थ्री एच, और यहां आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय थ्री जी, राइट। अब फोर बाय थ्री एच को मैं बाहर ले आता हूं, तो यहां आ जाएगा वन प्लस, और इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा ओमेगा स्क्वायर बाय जी, और इसमें जो एच है वो ऊपर चला जाएगा, और फोर डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सही किया यहां पर, तो ओमेगा स्क्वायर एच बाय फोर जी आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आई थिंक ये सही आएगा यहां पर, ठीक है एकदम सही है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। और वी इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दें बेटा, तो वी बराबर कितना आ जाएगा यहां पर, माइनस वाई आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का थ्री एच बाय फोर, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको साइड में लेके जाओगे ऊपर लेके जाओगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एच बाय फोर जी होल पावर माइनस वन, है ना। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस को हटा दो क्योंकि ये एपरेंट डेप्थ नीचे की तरफ है। तो अब देखते हैं ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यस, तो फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखो तो थ्री एच बाय फोर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एच बाय फोर जी की होल पावर माइनस वन, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से इसमें मैच कर रहा है, तो दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड इसका इनकरेक्ट है, थर्ड भी इवन इसका देखा जाए तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये थे आपके 2016 से 2020 तक के जेई एडवांस के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्वेश्चन नहीं थे वैसे, हालांकि मेनली ये दो ही टॉपिक थे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बाकी आप एक बार इन क्वेश्चंस को वापस अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।